हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने जेई चैलेंजर सीरीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टिक्नोमेट्री और जैसा कि आप जानते हैं टिक्नोमेट्री का मतलब यूज हर जगह होता है वेक्टर थ्री में भी आता है कैलकुलस में भी हर जगह आता है तो आज हम लोग कुछ बहुत ही डिसेंट प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जिसमें ज्योट्री प्लस टिग्नोमेट्री मतलब ज्योमेट्री और टिक्नोमेट्री दोनों का कॉम्बो होगा तो बस आप रहिएगा तैयार और बस पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा आराम से पेंसिल इसलिए बोल दिया कहीं भाई ज्योमेट्री में आपको जरूरत हो है ना और वैसे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई कीजिएगा इन केस कहीं के फंसते हैं तो जैसा कि बताया था आप सोल्यूशन का स्टेप देखिएगा ये नहीं कि पूरा सोल्यूशन एक साथ देख लिया एक दो इनिशियल स्टेप देखिएगा और खुद से ट्राई करिएगा क्योंकि जितना खुद से ट्राई करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्या क्या बेसिकली कवर करने वाले हैं वही एक लेक्चर है इस टॉपिक में अपने पास जैसे हम लोग कंपाउंड एंगल इक्वेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वैसे सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो आप जानते हैं कि जय एडवांस के सिलेबस से, से हट चुका है लेकिन ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीजो इंपॉर्टेंट होती है उसका रोल हर जगह भी आ सकता है कहीं भी हम प्रॉब्लम उससे रिलेट करके बना सकते हैं तो हम लोगों ने हमने यही एफर्ट लगाया है कि हर किसी भी तरह से आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के थ्रू इस टॉपिक को कवर किया जाए ठीक है ना और कंपाउंड एंगल में जिस तरह के क्वेश्चन एडवांस में अभी में आ रहे हैं तो कुछ वोले प्रोफाइल भी मिलेंगे तो तो है है ही सही ठीक बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं हो तैयार पेन निकालिए और ट्राई करने लगिए है, है ना क्या इंफॉर्मेशन यहां पर और इन तीनों नंबर का सम एक्स प्लस जेड क्या दे रखा है पाई टू. इन तीनों एंगल का सम टर्म, टर्म ना फिर ये और देन वाला क्वेश्चन है पी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिस समय पी मैक्सिमम वैल्यू लेगा एट दैट मोमेंट एक्स बाई जेड क्या क्या होंगे और मिनिमम के टाइम में एक्स बाई जेड क्या क्या होंगे ठीक है ना तो बात अब इसमें स्टार्ट कैसे लेना चाहेंगे कैसे स्टार्ट ले सकते हैं इसमें <coughs> तो अः वही सम प्रोडक्ट वाले आ, फॉर्म से चलते हैं पी इक्वल्स टू जस्ट मिनट टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई भाई प्रोडक्ट को में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला ऐसा कुछ लगा दिया टू से डिवाइड दे दिया और टू से मल्टीप्लाई अच्छा तीन का प्रोडक्ट है तो तीसरे टर्म को आउटसाइड ही रखा टू साइन एक्स कॉस्ट बाई मल्टीप्लाइड बाई साइन जेड कुछ इस तरह से स्टार्ट दे लिया आई थिंक आपकी स्टार्टिंग भी कुछ ऐसी ही होगी पहला थॉट आपके अंदर भी कुछ ऐसा ही आएगा है ना अब फॉर्मुला लगाइए यहाँ पे टू साइन ए कॉस्ट बी तो टू साइन ए कॉस्वी क्या होगा साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड साइन जेड ये आ गया अपने पास ठीक है ना अच्छा तीनों एंगल का सम अपने पास क्या दे रखा देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों एंगल का सम अपने पास है पाई पाईवाई टू तो ये जो एंगल एक्स प्लस वाई है फॉर द टाइम बिंग इसको अपन कुछ इस तरह से चेंज कर ले गया पाईवाई टू माइनस जेड है ना जेड में ले जाए तो sin क्या बन जाएगा cos two, जाएगा ये आ आपके पास cos z, और sin z से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा था प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू साइन जेड अब ये दो दो का प्रोडक्ट दिख रहा है, है ना और एक काम कर सकते हैं

तो अगर अपन इसको जीरो बोलते हैं इट मीन दैट लिया है लोअर बाउंड निकाल लिया यानी पी की लीस्ट वैल्यू पर हम लोग यहां पर बात करना चाहते हैं तो पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन अगर हम उसको जीरो डाल रहे हैं तो पी इज ऑलवेज ग्रेटर वन बाई टू इन टू एक टू से और डिवाइड दे दे, तो टू साइन जेड जेड ठीक है ना उसको ग्रेटर टू जीरो कर दिया मतलब और वाई दोनों एंगल अगर मैं वैल्यू जीरो पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहे तो इसको बना दिया तो फाइनलीड ऐसा आ गया ठीक है ना अच्छा जेड एंगल कैसा है जेड इज ग्रेटर जेड एंगल जो पाई बाई उससे बड़ा है तो अगर अपन पी मिनिमम की बात करें मिनिमम की बात करें तो पी इज ग्रेटर जेड को अगर अपन डाल दे, तो इस की सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी sin और थर्टी डिग्री होता है, by 2, होता है by तो यहां से आएगा अपने पास पी इज ग्रेटर टू वन बाई एट पी इज ग्रेटर करना पड़ेगा कि ये मिनिमम वैल्यून बाई अचीव होगी या नहीं होगी और जब अचीव होगी एट दैट मोमेंट एक्स वाइट की वैल्यू क्या होंगी है ना तो इक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर सबसे पहले तो यार देखो इक्वालिटी का केस यहां पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमने इसको जीरो डाला था ये टर्म पहले जीरो बनाना पड़ेगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो ले लिया जाए

और p टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यून एक्स माइनस वाई प्लस जेड जब p मिनिमम वैल्यू लेगा एट द टाइम ये किसके इक्वल होगा तो x और y तो इक्वल सही तो ये तो जीरो बन गया इट मीन जो भी यूज करना जेड की वैल्यू यूज करनी जेड की वैल्यू पाइवेट आ रही है तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है है ना तो मिनिमम वाला पास हमने पार्ट कर लिया है अब इसके बाद आते हैं इसी प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ठीक है ना चलिए स्टार्ट ले, ले लेते हैं मैक्सिमम पर भी अगेन

इसको कुछ अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई की ओर मैंने साइन एक्स को बाहर रखा इन दो को क्लब कर लिया टू कॉस बाई ना किस तरह से मूव कर सकते हैं टू कॉसे साइन बी क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी टू कॉसेज साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ठीक है ना अब की बार बीच में माइनस आ गया और ये क्वांटिटी तो तो ऑलवेज कैसी होगी ग्रेटर टू जीरो होगी और आप इस क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी सब्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर मैं इस क्वांटिटी को जीरो बना दूं अगर मैं साइन ऑफ वाई माइनस जेड को जीरो ले लूं तो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि हमें पहले जो नंबर मिल रहा था उससे या तो वही नंबर मिलेगा है फिर उससे कुछ छोटा यानी तो, तो इसको सिंगल में ले आते हैं बाई प्लस जेड को लिख दिया मैंने पाई बाई टू माइनस एक्स है ना तो वन बाई टू साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या बन जाएगा कॉस एक्स और इसको तो मैंने जीरो डाल ही दिया तो p इज लेकून टू से और मल्टीप्लाई कर ले तो आई थिंक बन जाएगा तो P का अपर बाउंड आया है वन बाई फोर इन टू साइन टू एक्स है ना अब ये अपर बाउंड है तो अब हमें इसको और फर्दर देखना है कितना और ये आगे जा सकता है लोअर बाउंड को हम लोग पास लेके आते हैं लीस्ट अपर बाउंड है ना और लिस्ट uh, अपर मतलब इसको हम लोग और एक्सटेंड करके देखेंगे मैक्सिमम ये कहां तक मूव कर सकता है तो एक्स जो एंगल है वो से से बड़ा बड़ा है 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 पाई पाई तो बड़ा ही है सही और ठीक प्लस प्लस वे है।, है इन दो कंडीशन को देखना है तो आप ये सोचिए क्या मैं साइन टू एक्स को वन पुट कर सकता हूं ये तो कह रहे कॉमन सेंस की बात है साइन टू एक्स है तो वन के बियॉन्ड तो नहीं जाएगा तो एक बार वन लेके देखते हैं क्या कोई ऐसा एक्स बाई जेड एक्सिस्ट करेगा तो पी मैक्स इस की को तो मैं डालूं। फाइन जब वाई और जेड ये दोनों एंगल सेम हो साइन टू एक्स को वन डालने का मतलब है कि टू एक्स को मैं पाई बाई टू ले रहा हूँ क्योंकि अपने पास एक्स बाई जेड पर लिमिट्स हैं तो एक्स क्या ले रहा हूं पाई बाई फोर एक्स को पाई बाई फोर ले रहा हूँ और y और z सेम है तो फिर y और z कितना हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 90 है तो y और z कितना हो जाएगा π/8 तो ये xyz की वैल्यूज के लिए हमें इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 1/4 वै मिलेगी और मिनिमम वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है पहले ही 1/8 तो मिनिमम आएगा इस प्रोडक्ट का 1/8 और मैक्सिमम आएगा 1/4 तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इज 1/4 ये क्लियर हो गया खैर मैक्सिमम के लिए पूछा नहीं यहां पर भी मिनिमम की बात करें तो उसको चेक करने है सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है बच्चों चलिए ठीक है मूव करते आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है लेट एबीसी एंड पी क्यू आर बी टू ट्राइंगल ठीक है दो ट्राइंगल दे रखे

ठीक है ना उसका अमाउंट बताना एक तरह से डिग्रीज में बताना ये नहीं बोल दिया कि सर ए बड़ा है या फिर बी बड़ा ना ना ऐसे नहीं उसको डिग्रीज में काउंट करना है कि उसका अमाउंट कितना है वो 120 है 90 है 30 है वॉट ठीक है ना तो देखिए जरा दो ट्रायंगल थे अपने पास एक ट्रायंगल अपने पास एबीसी है दूसरा ट्रायंगल अपने पास पी क्यू आर है कुछ इस तरह का पिक्चर है ये ट्रायंगल ले लिया मैंने एबीसी और ये ट्रायंगल मैंने ले लिया पीक्यूआर ठीक है अब सबसे पहले रिलेशन सिर्फ यही तीन दे रहे कॉस ए इक्वल टू साइन पी कॉस बी इक्वल टू साइन क्यू कॉस सी इक्वल टू साइन आर पी भी ट्रायंगल है और ए भी ट्रायंगल है तो एक लाइन तो अपन ये लिख सकते हैं एक लाइन ये लिख सकते हैं कि पी क्यू आर जो एंगल होंगे ट्राइंगल के, एंगल है, तो ये 0, के है, कैसे लेते हैं पहली लाइन uh, क्या लिखते हैं तो मैं टारगेट कर रहा हूं कुछ यहां पर जैसे पी क्यू आर जीरो से वन एट्टी है तो एक बात तो क्लियर है कि जीरो से वन एट्टी तक साइन पी साइन क्यू साइन आर सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे सारे 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 के के कैसे होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव और अगर ये एक रिजल्ट मिला कि ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो हंड्रेड परसेंट अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि एक एंगल नाइनटी से बड़ा होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट की वैल्यू

ंगल्यू आर पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पी क्यू आर कैसा है, ये भी हो सकता है और भी हो सकता, दोनों टाइप का हो सकता है तो अब थोड़ा सा और सिस्टमेटिक काम करने की जरूरत है थे. कोई हिंड और फर्दर निकाल सकते हैं ऐसा करते एक ही में ले आते हैं को, आ, मैं चेंज कर सकता हूँ साइन नाइनटी माइनस से भी लिख सकता हूँ साइन नाइनटी प्लस से भी लिख सकता हूँ अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं Uh, को लिख सकता हूं नाइनटी प्लस माइनस नाइनटी प्लस एव कॉसे होता है 90 A भी होता है ठीक है ना तो साइन नाइनटी प्लस दोनों चेंज कर लिया तो एक रिलेशन अपने पास यहां से आ गया क्या आया कि पी जो एंगल होगा इधर 90 प्लस ए होगा या फिर नाइनटी माइनस ए सिमिलरली क्यू पर बात करें क्यू बी से कनेक्टेड है तो Q को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस बी और R को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस सी ठीक है ना तो ये अपने को इस तरह का स्टार्ट मिला है लेकिन वही बात है कि पी क्यू आर के बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा या फिर ऑप्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो हमें केसेस बनाकर सोचना पड़ेगा केस बनाने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा पहला केस लिया कि Uh, अगर A, अगर ए बी मतलब पी क्यू आर सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं इफ पी क्यू कॉमा आर ऑल आर एक्यूट एंगल्स अगर पी क्यू आर सारे के सारे एक्यूट भाई या तो सारे एक्यूट होंगे या फिर ऐसा होगा एक ऑप्टिव्स होगा बाकी दो तो, क्योंकि दो ऑप्टिव्स तो वैसे ही नहीं होते यान अगर पी क्यू आर सारे के सारे एंगल एक्यूट हैं तो यहां से मैंने निकाल लिया p प्लस क्यू प्लस आर तीनों को मैंने ऐड कर लिया p की वैल्यू क्या आ जाएगी टाइम 90 माइनस ए क्यू की वैल्यू 90 माइनस बी नाइनटी माइनस ए प्लस नाइन्टी माइनस बी प्लस नाइनटी माइनस सी अगर तो माइनस साइन तीनों के साथ आएगा है ना तो मैंने ऐड कर लिया तीनों को क्या रिजल्ट मिला यार ये सीन देखो क्या बना 90 90 90 270 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इस तरह का सीन मिला मतलब ये मैं चेक करके देख रहा हूं कैसा पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता मुझे पहले से थोड़ी पता है ऐसा होगा या नहीं होगा मैं चेक करके देख रहा हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी एक्यूट की भी हो सकती है और ऑप्टिज़्स की भी हो सकती है तो पहले एक्यूट पर चेक कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है ऑब्वियसली पाई होता है वन एट्टी डिग्री और वन एट्टी टू सेवेंटी माइनस वन एट्टी ये सीन क्या बना नाइन्टी डिग्री यानी पी की और ऐसा ट्राइंगल देख रहा है जिसके एंगल्स का सब नाइन्टी डिग्री ये तो पॉसिबल ही नहीं है

<clears throat> मतलब ऐसे ले लिया P को मैंने लेट कर लिया सेकेंड केस में जब ट्राइंगल ऑप्टि एंगल है P को मैंने लेट कर लिया 90 प्लस ए और Q को लेट कर लिया 90 माइनस बी आर को मैंने लेट कर लिया 90 माइनस सी समिंग लाइक दैट अब आप यहां से देखिए चेक करिए कि के के इस केस में कुछ मीनिंगफुल मिलता है नहीं मिलता है और डेफिनेटली मिलना चाहिए क्यों दो ही केस पॉसिबल थे पहला केस तो रिजेक्ट हो ही गया था P प्लस क्यू प्लस आर तो नाइन्टी 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 ये क्या बन जाएगा नाइन्टी प्लस ए प्लस नाइन्टी माइनस बी प्लस नाइन्टी माइनस सी वन एट्टी माइनस बी प्लस सी ऐसा कुछ बन रहा है है ना अच्छा P प्लस क्यू प्लस आर से ये तो हमने कैंसिल कर ही दिया क्योंकि ये तो समी हो गई होगा आई थिंक वन एट्टी माइनस बी प्लस सी आई थिंक कैंसिल मेरे को नहीं करना चाहिए था ए निकल आएगा ना 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 कैंसिल मत करिए बैक करते हैं इसको कैंसिल नहीं किया है एक काम किया है वन एट्टी माइनस बी प्लस सी को ए पुट कर दिया और यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर को वन एट्टी डाल दिया है ये नाइन्टी प्लस ए है ना. और ये वाला मन वन एट्टी माइनस बी प्लस सी डायरेक्ट आ गया ए क्योंकि अगर हम ये मान के चल रहे हैं और अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है ये अलाउड है तो फिर ऑब्वियसली पी ही लार्जेस्ट एंगल होगा 90 प्लस समथिंग है और A की वैल्यू बस हमें निकाल ली है आई थिंक और A यहां से रहा है, तो टू एक्वल टू नाइनटी तो यहां से A की वैल्यू क्या आ गई 45 और A 45 है तो जो ऑप्टिक एंगल P था ट्राइंगल पी में वो कितना हो जाएगा P इक्वल टू नाइनटी प्लस एनि नाइनटी प्लस फोर्टी पी तो पी आ गया डिग्री लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंगल ऑफ़ यानी दोनों में जो आएगा उसका अमाउंट होगा आप भी भी बोल सकते थे क्यू सिंपल तो ज्यादा नहीं थी है ना क्वेश्चन अब एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू मैंने आपसे पूछी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन है ना? और एल्फा और बीटा पर रेंज क्यों नहीं एल्फा बीटा कहां से कहां तक अपने को लेना है सिर्फ और सिर्फ जीरो से फाइव बाई टू है ना दो वेरिएबल पर फंक्शन है तो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं आई थिंक एक काम तो कर एक काम ये कर लें कॉट एल्फा और कॉट बीटा इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं टेन एल्फा बाई टू जैसा मैं न्यूमरेटर में देख पा रहा हूँ

व्हाट एल्फा लिख दो बनापॉन टेन एल्फा बनापोन टेन बीटा तो बनापॉन टेन एल्फा का मतलब हो गया नीचे आएगा टू टेन एल्फा बाई टू ऊपर आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू कुछ इस तरह का सीन बना लिया भाई काम कोट बीटा के साथ बनापॉन टेन बीटा समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा कर लिया यानी अब पूरी पिक्चर में ये तो है चलो सेम टाइप के टर्म दिख रहे हैं है ना तो चेंज ऑफ़ वेरिएबल के साथ चलते आ, लेट कर लिया मैंने लेट टेन अल्फा बाई टू को मैंने एक नया न्यू डे में साइन कर दिया टेन अल्फा बाई टू को एक्स लेट कर लिया एंड टेन बीटा बाई टू को मैंने बाई कॉल किया ठीक है ना टेन अल्फा बाई टू को एक्स कॉल किया है टेन बीटा बाई टू को

कि x और y वेन एवर एंड वेन एवर रिक्वायर्ड अपन इस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे यानी x और y अब जो नई पिक्चर आएगी वो x और y में आएगी है ना तो एफ ऑफ एक्स वाई आ गया अपने पास क्या सीन बनेगा वन माइनस रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर और नीचे सीन क्या बनेगा और नीचे एलसीएम भी ले, ले लेते हैं आई थिंक क्या ले लिया जाए टू एक्स वाई एल्सियम आ जाएगा नीचे नीचे अगर सॉल्विंग की जाए टू एक्स वाई आ गया तो बाई टाइम्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स वन माइनस वाई स्क्वायर समथिंग लाइक दैट तो नीचे का टू एक्स वाई तो ऊपर आ गया टू एक्स वाई इंटू रूट ऑफ वन माइनस रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर ठीक है ना अच्छा इनके पहले पहले टर्म अगर हम लोग आ, देखें तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई तो बनी रहा है सही। दोनों, पहले पहले दूसरे दूसरे तो अच्छा, दोनों तो like इस तरह की पिक्चर बनी पिक्चर में मेरे पास दो चीजें आ रही है मैं कहीं ना कहीं से चाहता था सिंगल वेरिएबल में ले आओ क्योंकि देखो टू वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट है है ना वैसे पार्शियल डिफ्रेंशिएट करके लोग निकाल लेते हैं वो अलग बात है प्रॉपर मेथड तो वहीं पर आता तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड वही थीम चल रही कि किसी भी तरह से इस पूरी पिक्चर को सिंगल बैरल में कन्वर्ट किया जाए उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे मैक्सिमम पर काम करना है तो x प्लस वाई मुझे नीचे से कॉमन दिख रहा था टू एक्स वाई वन माइनस रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर और नीचे भी कुछ तो कॉमन दिख ही रहा है x प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया और वन माइनस एक्स वाई ठीक है ना ऐसा सीन बन गया ओके ओके ठीक है ना तो फिर से वही है कि यार थोड़ा सा हल्का कर सकते वन माइनस एक्स वाई इसके दो फैक्टर हो जाएंगे बिकॉज एक्स वाई कैसा है पॉजिटिव नंबर एक्स वाई दोनों जीरो से वन है तो इनके प्रोडक्ट की भी अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट इसी इंटरवल में लाई करेगा जीरो सेवन यानी पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा तो मैं इस सिंगल टर्म के दो फैक्टर लिख सकता हूँ मुझे पिक्चर थोड़ी सी डाइल्यूट होती दिख रही है है ना तो मैं इस फैक्टर से इस फैक्टर को एक फैक्टर तो कैंसिल कर ही सकता हूँ और साथ ही साथ एक काम कर ले थोड़ा सा मुझे अर्थमेटिक मीन की भी फील यहां पे आ रही है देखिए प्रॉब्लम बस वही थी मुझे दो वेरिएबल देख रहे थे आई थिंक लेकिन अब काम आसान हो जाएगा आफ्टर दिस स्टेप ये एक्सवाई का आर्थमेटिक मीन आ गया और मेरे को इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी यूज कर ले तो बताओ अब स्टेप के बाद पूरी पिक्चर मेरे पास प्रोडक्ट एक्स वाई के आ जाएगी क्या है ना तो एफ ऑफ एक्स वाई मैंने इस मीन के प्लेस पर ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लिया इज ग्रेटर टू मतलब इससे छोटा नंबर डिनोमी टम रख दिया एक्स वाई एक पार कैंसिल कर ही दी थी वन माइनस रूट एक्स वाई नीचे क्या आ जाएगा रूट ऑफ एक्स वाई रूट ऑफ एक्स वाई और एक टर्म कैंसिल हो गया था एक बच गया था वन प्लस रूट एक्स वाई समथिंग लाइक दैट है ना और रूट एक्स वाई ऊपर ले आते हैं रूट एक्स वाई इंटू वन माइनस रूट एक्स वाई अपॉन वन प्लस रूट एक्स वाई समथिंग लाइक दैट यानी अब मेरे को ये सीन थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आता वो दिख रहा है क्योंकि अब ये एक्स इन टू वाई को एक नया वेरेबल जेड अगर बोल दें रूट एक्स वाई को आई थिंक बेटर ये रहेगा रूट एक्स वाई को अगर, अगर अपन जेड बोले तो आई थिंक ये फिर अभी क्वाडिटिक वाला रैशनल फंक्शन की रेंज क्योंकि ऊपर आई क्वाडिटिक नीचे लीनियर और रूट एक्स वाई को जेड बोला तो एक्स वाई भी जीरो से वन है तो एक बात यह भी है कि जेड भी एक रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा सिर्फ और सिर्फ जीरो से वन में मूव करेगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट साइड में चलते हैं। तो एफ जेड बन जाएगा रूट जेड एफ ऑफ जेड एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड कॉल किया जेड इंटू वन माइनस जेड अपॉन जेड अपॉन जेड है ना और जेड जो वेरिएबल है ये भी कैसा है जीरो से वन है आई थिंक अब ये टोटल कंफर्ट जोन में क्वेश्चन आ चुका है, है ना यहाँ परिटी हमने कहा थी जहां पर हमने M. M. लगाया था और अपन जानते ही है कि ए एम और जी एम इक्वल था वो तो नंबर सेम टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू जिस समय अपन सेम ले रहे होंगे उस समय यहाँ पर इक्वालिटी आ जाएगी ठीक है ना तो चलिए आगे मूव करते हैं अब इस फंक्शन पे अगर अलग से काम कर लिया जाए ये सीन क्या बनेगाइड डिवाइड के निकालना पड़ेगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड प्लस वन डिवाइड दे देते हैं इसको जेड प्लस वन से डिवाइड देते हैं माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड में माइनस जेड टाइम्स डिवाइड जाएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया टू जेड बच रहा है टू जेड तो डिवाइड जाएगा टू टाइम्स ठीक है ना टू टाइम्स डिवाइड जाएगा तो so आएगा टू जेड प्लस टू अप्रैक्ट कर दें तो माइनस टू ये आया कोशेंट ये आया क्वेश्चन रिमाइंडर और ये डिवाइजर है ना तो so, इसको लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमेंडर माइनस जेड प्लस टू कोशंट प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर माइनस टू अपॉन डिवाइजर डिवाइजर क्या आ जाएगा जेड प्लस वन समथिंग लाइक दैट डिवीजन एल्गोरिथम से लिख दिया प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर है ना तो कुछ इस तरह भी इसको सेट कर सकते हैं टू तो मैंने अलग कर लिया बाकी ये दोनों टाइम निगेटिव थे माइनस साइन कॉमन ले लिया जेड प्लस टू अपॉन जेड प्लस वन ये एफ जेड जो आ रहा है मेरे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी यहां तक पहुंचाऊ मैं ठीक है ना जेड प्लस टू अपॉन जेड प्लस वन ओके ओके तो इसका मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम hmm. चाहिए ना हाँ मैक्सिमम कितना हो सकता है जस्ट मिनट सॉरी सॉरी मेरी तरफ से मिस्टेक हो रही है जस्ट अ मिनट मैंने एक्चुअली क्या किया है oh, हाँ एम को के प्लेस पर जीएम डाला ये अपर बाउंड आएगा मिस्टेक फ्रॉम माई साइड एक्चुअली ये अपर बाउंड आएगा वही मैंने ध्यान नहीं दिया चलिए यहाँ पर भी हर प्लेस पर क्या आएगा बच्चों हमने डिनोमिनेटर छोटा किया फ्रैक्शन बढ़ गई तो अपर बाउंड आएगा ओके okay, आप सही जा रहे हैं ठीक है ना अब यार इस पर अगर ए एम जीएम लगाए तो उससे पहले काम कर लेते हैं यहाँ पर जेड प्लस वन बना लेते हैं एफ जेड लेस uh, अगर हम यहाँ पर प्लस वन करते हैं यानी ओवरऑल यहाँ पर भी प्लस वन करना पड़ेगा जेड प्लस वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस वन समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरह की बात बन जाएगी है ना और इसमें अगर अपन अब ए एम जी एम लगा दें क्या लगाए इसमें ए एम जी एम तो थ्री नहीं है टू है एम जी एम इसमें लगा दे तो ए एम जी एम से ये क्वांटिटी किससे बड़ी आ जाएगी टू रूट टू यानी इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली अब जब मिनिमम निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा लेस टू है ना तो एफ जेड इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता ये तो क्लियर है अब बात करेंगे क्या इतना पॉसिबल है तो ये इक्वालिटी का भाई जब यहाँ भी इक्वालिटी है और इससे पहले जहाँ ए एम जी एम हमने लगाया था जहाँ जहाँ पे इन इक्वालिटी अप्लाई किए वहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट करे साइमल्टेनियस अकरेंस हो तो, है ना इक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर कहाँ पर जेड प्लस वन इक्वल टू टू अपॉन जेड प्लस वन जेड प्लस वन का स्क्वायर टू हो तो जेड प्लस वन की वैल्यू क्या हो रूट टू यानी जेड की वैल्यू क्या हो रूट माइनस वन और जेड का मतलब थे तो ये देख लेना कि एक्स और वाई बराबर थे यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स इक्व टू वाईक्वल टू क्या आ जाएगा रूट टू माइनस वन कुछ ऐसा अगर हम लोग डालेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थ्री माइनस टू रूट टू अपने को मिल जाएगी ठीक है ना बच्चों तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी आ, थोड़ा सा हमने इन क्वालिटी यहाँ पर यूज की मिस्टेक कर दी एक्चुअली ध्यान नहीं दिया थोड़ा जल्दबाजी में कर गया क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन था अर्थमेटिक मीन को जब जोमेट्रिक मीन से हम कन्वर्ट करेंगे रिप्लेस करेंगे तो हमने डेरोमीटर छोटा किया तो ये पूरी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी है ना तो एक्स वाई इससे हमेशा छोटा होगा तो ये कुछ आंसर आ रहा है अपना मैक्सिमम वैल्यू थ्री माइनस टू रूट टू और मिलेगा कब जब हम एक्स सबाई दोनों को क्या डालेंगे रूट टू माइनस वन यानी दोनों को फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का आधा ट्वेंटी ठीक है बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बेने अपने को?

है ना तो इस क्वेश्चन में बहुत से तरह से स्टार्ट लिया जा सकता है बड़ी आसानी से आप आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हैं और जेई लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछने वाला क्वेश्चन बन सकता है है ना तो एक काम कर ले आ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब केवल सी को चेंज कर लेते हैं कुछ लोग एक आइडेंटिटी की तरह से इसको लेते हैं आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर मैं इसको इक्वेशन वन की तरह इक्वेशन वन बोलू तो मैंने सारे टर्म एक साइड शिफ्ट कर लिए वन माइनस कॉस थ्री ए माइनस कॉस थ्री बी माइनस कॉस थ्री सी इक्वल टू जीरो है ना जैसा अपन लोग कंडीशनल आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में वर्क करते थे ना साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी फोर साइन ए साइन बी साइन सी इस तरह के जो रिजल्ट प्रूफ करते थे वो रिजल्ट वैसा नहीं आएगा लेकिन हाँ प्रोसेस कुछ वैसी होगी इसको हाफ एंगल ब्रेक कर दिया मतलब मैं मुझे कुछ कंपोनेंट चाहिए कुछ फैक्टर कॉमन चाहिए तो हाफ एंगल फॉर्मा लगा दिया टू साइन स्क्वेर थ्री बाई टू माइनस इन दोनों में लगा है कॉस बी प्लस कॉस सी कॉस बी प्लस कॉस सी क्या आ जाएगा टू कॉस थ्री बी प्लस थ्री सी बाई टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस थ्री बी माइनस थ्री सी बाई टू इक्व टू जीरो कुछ इस तरह का सीन बन रहा है समथिंग लाइक दैट है ना अपना टारगेट बस यही है कि कुछ फैक्टर कॉमन है जिससे कुछ कम्पोनेट वगैरह बने फिर अपन बात करें ये प्रोडक्ट जीरो है तो ये जीरो होगा तो क्या मिलेगा ये जीरो होगा तो क्या मिलेगा समथिंग लाइक दैट है ना अच्छा ये ट्राइंगल पर क्वेश्चन है तो ये कंडीशन तो है ही अपने पास एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी क्या है पाई तो यहाँ से मैं बी प्लस सी की बात करूँ तो बी प्लस सी को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ पाई माइनस ए तो ये एंगल बन जाएगा थ्री बाई टू अलग कर लिया इंटू पाई माइनस ए थ्री बाई टू इंटू पाई माइनस ए का मतलब ये बन जाएगा पाई प्लस पाई बाई टू माइनस थ्री ए है ना ऐसा कुछ बन गया और कॉस्ट cos ऑफ पाई प्लस समथिंग मतलब माइनस cos समथिंग आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थ्री ए बाई टू माइनस टू कॉस पाई प्लस समथिंग माइनस कॉस समथिंग यानी cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थ्री और एक लाइन और बचा ले ये बचेगा cos समथिंग

तो एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा तो, प्लस 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 तो बस जो मैं एडवांटेज चाहता था वो मुझे पूरा पूरा मिल रहा है एक फैक्टर कॉमन आ गया एक कंपोनेंट बन गया मेरे पास टू साइन थ्री ए बाई टू है ना इसको तो मैं कॉमन ले लिया हूं तो यहां पर क्या आएगा साइन थ्री ए बाई टू साइन थ्री ए बाई टू प्लस कॉस थ्री बी माइनस थ्री सी बाई टू ठीक है अब एक काम कर लेते हैं यहां पर एंगल साइन है यहां पे कॉस में है तो यहां पर ए को चेंज कर लिया ए को मैंने लिख दिया पाई माइनस बी प्लस सी है ना तो साइन थ्री ए बाई टू क्या बन जाएगा तो थ्री ए बाई टू आपका बनेगा एक्स्ट्रा में काम अलग से कर लेते हैं थ्री ए बाई टू बन जाएगा थ्री पाई बाई टू माइनस थ्री बाई टू इंटू बी प्लस सी और इसका साइन लेंगे तो साइन पाई प्लस समथिंग यानी साइन पाई बाई टू माइनस समथिंग तो साइन पाई प्लस समथिंग माइनस साइन समा और साइन नाइनटी माइनस समथिंग का मतलब हो गया कॉस समथिंग यानी माइनस कॉस माइनस कॉस आ जाएगा टू साइन थ्री ए बाई टू माइनस कॉस आएगा तो ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं कॉस ऑफ थ्री बी माइनस थ्री सी बाई टू और ये माइनस कॉस बन रहा था माइनस कॉस क्या बन जाएगा थ्री बी प्लस थ्री सी बाई टू ऐसा कुछ सीन बन गया ठीक है ना आप चाहो तो आप इसमें cos c cos d का फॉर्मूला लगा के आगे मूव कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे cos a डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है cos a b cos a, a b होता 2 sin a sin b है ना 2 sin a sin b डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है या फिर आप ऐसे भी चले जाओ इसको जीरो करके निकाल लो एक बार इसको जीरो करके निकालो तो भी सेम ही बात है और फार्मूला क्लिक कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ये 2 sin 3 2 कॉस कॉस ए ए माइनस माइनस बी बी प्लस होता टू साइन ए साइन बी टू साइन दो एंगल है थ्री बी बाई टू इंटू साइन थ्री सी बाई टू समथिंग लाइक दैट ऐसा हो गया तो so, ओवरऑल आ गया फोर टाइम्स साइन ऑफ थ्री ए बाई टू साइन ऑफ थ्री बी बाई टू इंटू साइन ऑफ थ्री सी बाई टू मतलब ये वाली पिक्चर जो है ये वाला एक्सप्रेशन वाला होल एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के एक आ गया। अब ये जीरो के एक ये के इसका मतलब है। और इन तीनों का क्वेश्चन तो है, है तो ज्यादा से जाद ज्यादा जीरो से वन एट्टी मूव करेगा 180 कितना होता है फिर 540 तो ये जो एंगल है जीरो से टू सेवेंटी मूव करेगा जीरो से टू सेवेंटी में साइन जीरो सिर्फ एक ही केस में होता है जब ये एंगल कितना बन रहा हो वन एट्टी बन रहा हो थ्री से कैंसिल कर सिक्सटी यानी एंगल ए कितना आ गया वन ट्वेंटी आ गया है ना और ऑब्वियसली एक ही टर्म जीरो होगा क्योंकि ट्राइंगल पर क्वेश्चन है तो कोई एक ही एंगल ऑप्टिव हो सकता है तो इसका मतलब ये निकला कि तीन में से एग्जैक्टली वन एंगल वन होगा एक्टली वन एंगल का एक एंगल्टी है, है ना? अब डेटा अपने पास क्या क्या है ट्राइंगल के दो साइड पता है और तीसरे साइड पर बात करनी है थर्ड साइड पर बात करनी है और तीसरे साइड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तीसरे साइड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी है है ना तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ट्राइंगल का एक एंगल 120 है तो बाकी दो एंगल तो एक्यूट ही होंगे क्योंकि दो ऑप्टिक्स हो ही नहीं सकते और यही ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल भी होगा

इस एंगल की अपोजिट साइड बना दे क्योंकि एंगल जो बड़ा होता है तो उसके अपोजिट साइड उतनी ही बड़ी होती है तो एक साइड टेन थी आई थिंक और दूसरी साइड क्या दे रखी थी 13. 13. तो ऑब्वियसली अगर टेन और थर्टीन का इंक्लूडेड एंगल अपन एंगलेंटी लेते हैं तो उसकी अपोजिट साइड ऑब्वियसली लेंथ में सबसे बड़ी आएगी और सारे केस में छोटी आएगी ठीक है ना तो यहां से निकाल लेते हैं अब हमें थर्ड साइड चाहिए तो यूजिंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल एबीसी इसमें कोसाइन रूल लगा दीजिए तो बीसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस टू 2 ए बी ए सी cos ऑफ 120 डिग्री cos 120 डिग्री क्या होता है माइनस हाफ इसका टू इसके टू से कैंसिल माइनस का प्लस हो जाएगा तो आई थिंक ये आ गया 100 ये है 169 और प्लस ये आ गया 130 130 प्लस 100, 230 प्लस 169, तो 9, और 9639 2 प्लस 13 ये BC स्क्वायर आ गया। तो ऑब्वियसली BC की लेंथ यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ द थर्ड साइड वो कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 399। अच्छा इसी लेंथ को इन्होंने रूट एम टाइप का कुछ बोला है। हाँ बोला है कि ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ एम तो ऑब्वियसली एम कितना हो जाएगा एम हो जाएगा 399 कुछ इस टाइप का सीन बनेगा <coughs> चलिए बच आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और देख के मजा आएगा आपको गिविन दैट पी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विटरल ट्राइंगल एक इक्विटेटरल ट्राइंगल है ए बी सी और पी उसका इंटीरियर पॉइंट है पी ए वन है पी वी रूट थ्री है पी सी टू है ए बी सी एक इक्विटरल ट्राइंगल है उसके इंटीरियर में कोई भी एक पॉइंट पी है जिसकी तीनों वर्टेसिस से डिस्टेंस इक्वल है केवल इतनी इंफॉर्मेशन दी है अब आप ये सोचिए क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल की साइड और ट्राइंगल के एंगल यानी P का P सा, पर साइड ए बी कितना एंगल बनाती है साइड बी सी कितना एंगल बनाती है बी सी का पी पर एंगल ए बी का पी पर एंगल क्या ये सब निकाल सकते हैं अपन है ना तो ये एक तरह से मैंने जो बोला था ना स्टार्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते टाइम कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे ही होती है ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ज्योमेट्री ज्योमेट्री नहीं बहुत हाई फाई वाली ज्योमेट्री नहीं बेसिक ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री कॉम्बो प्रॉब्लम है दोनों का कॉम्बिनेशन है तो देखिए क्योंकि जब ज्योमेट्री कंबाइन हो जाती है ना ट्रीक ट्रीक तो प्रॉब्लम की क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी हो जाती है और बेहतर लेवल की प्रॉब्लम बनती है तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तो ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल भी कैसा है इक्लिटरल ट्राइंगल ओके okay. यानी हर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ना और P इंटीरियर में पॉइंट है P here, कहीं पर भी ले लिया मैंने। यहां पर ले लिया और AP डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कलर चेंज करते हैं या ये वाली डिस्टेंस अपने पास कितनी है आ, वन टी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस अपने पास और अपने पास ये डिस्टेंस भी है ठीक है तो ये पी पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया है ये डिस्टेंस पी ए वन है पी वी डिस्टेंस है अपने पास रूट थ्री और पी सी डिस्टेंस है टू ये तीनों डिस्टेंसेस हैं है ना अब यहाँ से क्या हम ट्राइंगल की साइड लेंथ निकाल सकते हैं साइड निकाल सकते हैं अगर कोई एक इंटीरियर एंगल है अगर कोई एक, एक एंगल पता लग गया तो दो साइड बीच एंगल कैसे बी पी तो एंगल बताना पड़ेगा बी पी सी बताना पड़ेगा दो बताएंगे तीसरा अपने आप निकाल आएगा और एंगल निकाल आएंगे तो इन पीसेस का एरिया भी हम निकाल सकते हैं और इन पीसेस का एरिया आएगा तो ट्राइंगल का एरिया आ ही जाएगा बात है कैसे कैसे क्या ज्योमेट्री इसमें लगाया जाए कि हमको क्वेश्चन में स्टार्ट मिल जाए किस तरह से काम करें है ना तो देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है है ना ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो यहाँ पर तो विजुलाइज हो ही नहीं रहा यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे यहाँ पर स्टार्ट लू तो एक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ देखिए क्या यूज करने जा रहा हूँ मैं ट्राइंगल पी ए बी को रोटेट कर रहा हूं मैं ट्राइंगल पी ए बी ट्राइंगल पी ए बी देखी ध्यान से ट्राइंगल मेरे को एबीसी कैसा दिया हुआ था मेरे को ए बी सी इक्विलिटर ट्राइंगल दिया हुआ था लेकिन यहां से हमें कोई क्लियर कट स्टार्ट मिल नहीं पा रहा मैं कैसे सोचूं तो मैं एक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट से स्टार्ट ले रहा हूं मैंने ट्राइंगल पी ए बी को रोटेट किया इस पॉइंट बी के अबाउट है ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे हो रहा है

Rotate triangle PAB. Rotate triangle PAB around B. Means B ke about around B 60 by 60 degree in anticlockwise sense. ट्री ए बी को मैंने सिक्सटी डिग्री एंटी रोटेट किया है ना देन अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो बी तो अपने रोटेट किया ट्राइंगल इक्लेटरल था तो ए रोटेट होके कहां पहुंच जाएगा ए सी पर पहुंच जाएगा यानी दो पॉइंट तो मुझे दिख गए पी की वही एक नई पोजिशन आ जाएगी पिक्चर में पी की पिक्चर में कहीं एक न्यू पोजीशन आएगी ठीक है ना मान लिया मैंने पी हियर हि यहां गई पर आ जाता है ठीक है पर आ गया तो इसको इससे कनेक्ट किया जस्ट मैं थोड़ा सा यहां कहीं पर लेता हूं इस P की जो न्यू पोजिशन है इसको इससे कनेक्ट कर दिया मैंने P से कनेक्ट किया है P की न्यू पोजिशन को मैंने B से कनेक्ट किया है और P की न्यू पोजिशन को मैंने P से कनेक्ट किया है ठीक है इस पॉइंट को मैंने P डैस कॉल किया है यानी B तो B पे रहा A C पर पहुंच गया P की नई लोकेशन के आगे P डैस यहाँ पर आ गया है ना रोटेशन कितने डिग्री से क्या ये ध्यान रखिएगा 60 डिग्री यानी ये एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 60 डिग्री ठीक है और जब मैंने इसको रोटेट किया तो मतलब p बन गया था p' डैस, और a पहुंचा था c पर तो ap डिस्टेंस किससे कन्वर्ट हो यानी ap मतलब ये जो डिस्टेंस है नए ट्राइंगल में मतलब वो पुराना ट्रायंगल था मेरा bpa नया ट्रायंगल है bp'c तो पी ए लेंथ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए पीडेस सी तो अगर ये अमाउंट बन है तो ये भी वन आएगा है ना पुराने को नए से कनेक्ट करो जरा ये वन है तो ये भी रहेगा अच्छा बीपी किसमें कन्वर्ट बी तो भाई था पी पीडेस बन गया तो ये रूट थ्री बन गया अब देखिए कितना जबरदस्त बेनिफिट है रोटेशन का ये लेंथ रूट थ्री है ये थ्री है यानी ये दोनों लेंथ बराबर है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर तो ऑब्वियसली ये बेस एंगल भी इक्वल होंगे अपोजिट एंगल इक्वल साइड के इक्वल uh, होते हैं है ना और ये बीच एंगल 60 है ये 60 ये दोनों एंगल बराबर है तो ये भी एंगल कितने कितने आ गए 60 -60 तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को मिला कि इस रोटेशन के एडवांटेज ये मिला कि ट्राइंगल बी पी पी एस इज एन इक्टरल ट्राइंगल ट्राइंगल बीपीपीडस हमको क्या मिल गया इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गया ठीक है अब अगर इक्विलेटरल है तो PP डेस लेंथ जो है ये भी कितनी आ जाएगी रूट थ्री आ जाएगी पीपीडेस लेंथ ये वाली है. ये भी रूट थ्री आ गई है ना अब एक काम करते हैं कि हमको सारे एंगल भी चाहिए थे तो अब ट्राइंगल फोकस करे पीडेस -पी पर आई थिंक इसके सारी साइड्स पता है ये वन था ये हमने रोटेशन से निकाला था और ये टू था और ये जस्ट अभी आया आपने पास रूट थ्री यूजिंग ट्राइंगल पीपी डेस सी अगर अपन इस ट्राइंगल की बात करें तो देखिए एक साइड टू है एक रूट थ्री एक वन है तो भाई साहब देखिए कितना जबरदस्त इसमें एक पॉइंट मेरे को दिख रहा तो टू एक तरह से, से, तो से हाइपोटेनियस का काम कर रहा है अगर टू हाइपोटेनियस का काम कर रहा है लगेगा मेरे को ये एंगल मुझे नाइनटी डिग्री देखने लगेगा इम्प्लाइज implies angle B P D C B P D C अपने पास कितना आ गया 90 डिग्री देखिए एडवांटेज पहले ही बना था इक्विलेटरल ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल है ना तो अगर ये 90 है तो ओवरऑल एंगल की बात की जाए कौन सा एंगल B P D C B P D C 60 प्लस 90 ये 60 था ये 90 ये एंगल कितना आ गया 150 डिग्री है ना और बीपीडे सी तो रोटेशन के बाद वाला ट्राइंगल रोटेशन से पहले क्या यही एंगल इसके इक्वल होगा भाई इसको रोटेट करके आप ऐसे ले गए तो यही पिक्चर तो बन जाए। यानी जाएंगी पी, पी, पी ए का अमाउंट कितना आएगा 150 डिग्री ये 150 डिग्री आ गया अपने पास ठीक है अच्छा अब ये ट्राइंगल सारा नोन हो गया बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तीनों साइड पता है तो इस एंगल पर अगर बात करनी है तो हम वो भी बात कर सकते हैं

एंगल बीपीसी ये 150 फिफ्टी आया था सिक्सटी प्लस थर्टी एंगल बीपीसी अपने पास आ गया 90 डिग्री है ना तो बी पी ए प्लस बी पी सी तो एक आंसर तो यहां से मिल गया एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी सी एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी सी वन फिफ्टी प्लस नाइन्टी तो टोटल सम कितना आ गया टू फोर्टी डिग्री तो ये तो चेक हो गया ये तो करेक्ट हो गया है ना आफ्टर दिस इन्होंने मेरे से बात की एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया चाहिए है ना तो एरिया तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे चाहे तो हम ऐसे देख ले दो साइड पता है बीच का एंगल पता है तो हा बीच का एरिया ये 90 डिग्री है ये 2 है ये रूट थ्री है राइट एंगल ट्राइंगल इसका एरिया निकाल लेंगे और ये बचा हुआ एंगल ये 150 था ये 90 था टोटल कितना 240 तो नहीं ये 120 तो आ जाएगा तीनों पीस से निकाल सकते हैं फिर एक काम यह भी कर लें कि आ, किसी एक ट्राइंगल कोसाइन रूल यूज कर लेते हैं है ना ये नाइनटी है ये टू है ये रूट थ्री है तो ट्राइंगल बीपीसी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमको बी सी मिल जाएगा यूज़िंग ट्राइंगल बीपीसी यूज़िंग ट्राइंगल बीपीसी अगर ट्राइंगल बीपीसी को यूज करें राइट एंगल ट्राइंगल है तो BC BC हाइपोटेनियस आई क्योंकि एंगल 90 डिग्री आई गया तो यहीं पर पाइथागोरस से काम चल जाएगा कम मेहनत पड़ेगी तो BC स्क्वायर BC स्क्वायर किसका आएगा रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर थ्री प्लस फोर सेवन तो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल उसकी साइड लेंथ आ गई अपने पास रूट सेवन थ्री प्लस फोर सेवन इक्विलेटरल की साइड लेंथ आगे रूट सेवन तो एरिया आप निकाल सकते हैं देयरफॉर एरिया दिसिंप्लाइज्ड एरिया। एरिया को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। रूट थ्री बाय फोर इनटू साइड स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा? सेवेन रूट थ्री अपॉन फोर स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा कुछ आ जाएगा। एरिया ऑफ़ त्रिभुज। ओके, ये आ रहा है। तो ऐसा कुछ था इंपॉर्टेंट पार्ट बस यही था कि अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी एल्जेवरा वगैरह में भी बनाई जाती है कुछ मैथमेटिकल टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम कुछ और पूछी जाती है है ना तो आ, मतलब एक पूरा डेटा कुछ ऐसा दिया था जैसे रोटेट किया सिक्सटी डिग्री तो पूरा डेटा कनेक्ट हो गया है ना तो ज्योमेट्री में इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें इस तरह की ट्रिक्स लगती है और भी बहुत सारे ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं होमोथेटी होता है है ना लाइंस uh, होता है ये सब ओलंपियाड uh, वाला पार्ट पड़ता है खैर वो थोड़ा भारी भी पड़ जाएगा यहां पर आते हैं इसकी बात करते हैं एक इनिक्वालिटी प्रॉब्लम है है ना तो लॉग ऑफ साइन ऑफ वन प्लस स्क्वायर एक्स बाई फोर टू द बेस कॉस ऑफ वन प्लस स्क्वायर एक्स बाई फोर ठीक है प्लस लॉग ऑफ कुछ चीजें तो मैं देख ही रहा हूँ यहाँ पर साइन का जो एंगल है वही एंगल कॉस का है ठीक है एंगल वन प्लस स्क्वाई फोर कॉस का वही एंगल यहाँ पर कॉस का जो एंगल है साइन में भी वही एंगल है कुछ ना कुछ तो सिमेट्री है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिमेट्री है और आई थिंक पहला थॉट पहला थॉट इसको देखकर कुछ ऐसा ना चाहिए कि अगर अपन बेस चेंजिंग थ्योरम और लगाए है ना क्योंकि नंबर में भी जो लिखा हुआ पिक्चर वो भी वेरेबल है ये भी वेरेबल है तो इस पूरे फंक्शन को हमने टाइम बिंग एक्स कॉल कर लिया इस पूरे फंक्शन ने क्या कॉल किया है एफ एक्स कॉल किया है है ना तो एफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा Uh, जैसे अपन लिखते थे ना लॉक फाइव टू द बेस थ्री लॉक फाइव टू द बेस 3 को लिखते थे ln 5 ln 3. बेस चेंजिंग, तो बेस चेंजिंग लगा दी इसमें तो ये बन जाएगा एल एन साइन ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर अपॉन एल एन कॉस वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर ठीक है ना पहला टर्म ये पहला टर्म हो गया वही काम एक्सैक्टली सेम सेकेंड में कर देते हैं तो एल एन कॉस नंबर का लॉग एल एन कॉस टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर होल अपॉन होल अपॉन एलेन साइन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर एल एन साइन देश अपॉन एल कॉस देश और एल एन कॉस देश अपॉन एल साइन देश कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया इस पिक्चर को ठीक है ओके ओके ठीक है तो अब बात है आगे कैसे बढ़ा जाए भाई प्रूफ करना है कि ये टू से बड़ा अभी यहाँ पे सिमेट्री तो ऑब्वियसली दिख रही है कि मतलब ये कुछ इस टाइप की पिक्चर है एल एन साइन टी अपॉन एल और टी ये पड़ा हुआ है और ये पिक्चर है एल एन कॉस अपॉन एल एन ये साइन अपॉन कॉस है ये कॉस अपॉन साइन एंगल चेंज है और प्रूफ करना सम जो है टू से बड़ा होगा ठीक है ना तो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं हाँ अब जैसे इंडिविजुअल टर्म देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इसमें ए लगाऊं क्या लगाऊं ए एम लगा सकते हैं क्या हाँ ए के लिए नंबर पॉजिटिव होना चाहिए तो मैं सिंगल में नहीं लग, मैं रेशियो लगा रहा हूं क्योंकि यार साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर जो होगा ये तो जीरो से वन होगा जीरो से वन होगा तो ये वन से Uh, 1/4 से 1/2 લઈ કરેગા ઓર ઇસકા સાઇન 1 સે છોટા હી હોગા ભાઈ સાઇન કિસી ભી નંબર કે લિયે 1 કે બિયોન્ડ તો જાયેગા નહીં 1 સે છોટા હી હોગા યે ઓર 1 સે છોટા હોગા તો log નેગેટિવયાની યે ઓવરオール એક નેગેટિવ ટર્મ હે ઓર યે ભી ઓવરオール એક નેગેટિવ ટર્મ હે લેકિન પૂરે રેશિયો કી બાત કરે તો યે પોઝિટિવ હોલ રેશિયો ઇઝ અ પોઝિટિવ ક્વોન્ટિટી એન્ડ અગેન યે હોલ રેશિયો ભી એક પોઝિટિવ ક્વોન્ટિટી હે તો હમ ઇસમે એમ જીએમ લગા સકતે હે ક્યોકી હમને ઓબ્ઝર્વ કર લિયા હે કે યે પોઝિટિવ હે તો ધિસ પ્લસ ધિસ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 2 ટાઇમ્સ इन दोनों का जियोमेट्रिक मीनि एल एन साइन ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर अपॉन एल एन प्लस कॉस एल एन कॉस ओके ओके वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर इन टू एल एन कॉस टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्स बाई फोर अपॉन एलन साइन टू प्लस लाइक दैट ठीक है ना ऐसा कुछ बन गया सिमेट्री तो दिख रही है, है ना अब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एफेक्ट जो ग्रेटर देन गो टू टाइम दिस है ये 2 इंटू दिस इस क्वांटिटी से ग्रेटर देन इक्वल टू है लेकिन हमको यहाँ पर क्या लानी थी स्ट्रिक्ट इन लानी थी ये 2 से तो बड़ा ही होगा यहाँ पे इक्वालिटी कभी नहीं आएगी है ना ये प्रूफ करना है तो आई थिंक अब अगला अगला पार्ट क्या होगा अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यानी अब अगर, अगर हमें स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी पे लानी है तो आप कहेंगे सर फिर इट मीन्स एक ही काम बचा हुआ है एक काम ये बचा हुआ है कि द क्वान्टिटी विद इन द रेडिकल साइन अपने को ये शो करना पड़ेगा दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन होगा तो फिर चकली ग्रेटर देन टू हो जाएगा क्योंकि ये वन कभी अगर हुआ नहीं तो फिर यहां पर भी इक्वालिटी नहीं आएगी आ रही बात समझ में तो नाउ नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू प्रूव नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू प्रूव जब ये प्रूव कर दें एल एन साइन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर Ln sine 1 plus sine square x by 4 whole upon ln cos 1 plus sine square x by 4 into ln cos ln cos 2 plus cos square x by 4 whole upon ln sine 2 plus क्वेश्चन देखा सोचा ये क्या दिख रहा बड़ा आर्बिट सा देख था बड़ा स्ट्रेन सा दिख रहा था लेकिन हाँ रोके सोचा बेस चेंजिंग था। था। तो अब कुछ कुछ सेम सेम था दिखने लगा एम जी एम लगा है, ये बना स्ट्रिक्वालिटी ला नहीं थे अब इसको वन से बड़ा दिखाना है ना बात ये कि इस पे कैसे काम करें यार वन से बड़ा कैसे दिखाएं तो अब इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में ले जाएं है ना तो ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर से, इसको ratio का cross multiply कर दिया positive है तो तो पर कोई पड़ेगा नहीं इसको अब हम ये प्रूफ करके अगर किसी ने दे दिखा दें एल एन साइन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर होल अपॉन एल एन कॉस वन प्लस साइन स्क्वास बाई फोर

ये वाला सीन आ गया अब थोड़ा सिमेट्री दिख रही बस चेंज क्या हो रहा है इनका एंगल इनका आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहा है यानी एक बार अगर आर्ग्यूमेंट ये पुट कर रहे हैं और एक बार आर्ग्यूमेंट ये पुट है तो ये वाली पिक्चर इस पर डोमिनेट कर रही है ये पॉइंट पर, पर फंक्शन की वैल्यू इससे बड़ी आ रही है ये प्रूफ करना है

ले लेते हैं लेट एफ टी इक्वल टू एफ टी इक्वल टू एल एन साइन टी या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जस्ट अ मिनट मैंने एक फंक्शन डिजाइन कर लिया लेट एफ टी इक्वल टू यहां से एल एन साइन टी अपॉन एल एन कॉस्टी एल एन साइन टी अपॉन एल एन कॉस्टी है ना और इस फंक्शन की स्टडी हम किस इंटरव्यू करने जा रहे हैं यहां से यहां तक प्लस से टू प्लस एक्स बाईर से वन प्लस स्क्वायर से टू प्लस एक्स वाई फोर इस इंटरवल में करने जा रहे हैं अब आप चाहो तो इसकी रेंज निकाल सकते हो है ना साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो जीरो टू वन मूव करेगा जीरो टू वन मूव करेगा तो इट मीन ज़ीरो जाएगा तो वन बाई फोर वन जाएगा तो टू बाई फोर यानी ये वाला फंक्शन जो है ये फिक्स पॉइंट नहीं है वेरिएबल पॉइंट है और ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा वन बाई फोर से वन बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स भी जीरो से वन अगर जाता है तो ये ज़ीरो जाएगा तो ये वन बाई टू देगा और वन जाएगा तो थ्री बाई फोर यानी ओवरऑल अगर इंटरवल का वेरिएशन काउंट करें तो आई थिंक ये जो भी इंटरवल रहा होगा ये इसके अंदर तो लाई करेगा ही करेगा थ्री बाई फोर के अंदर ना ये पूरा इंटरवल तो अब मुझे यार इस फंक्शन को टेस्ट करना इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर मतलब फंक्शन को हम इस इंटरवल में चेक करने जा रहे हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर एल एन साइन टी का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन साइन टी और साइन टी का हो जाएगा टी माइनस माइनस रिमूव करते हैं यहां से और ये आएगा अपने आ, पास किसके अंदर आएगा वन बाई फोर से क्या था थ्री बाई फोर के अंदर आएगा तो एक तरह से इसका सबसेट हो जाएगा ये और ये वाला ठीक है ना से इन माइनस डेरीवेटिव न्यूमरेटन डेरिवेटिव ऑफ ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव कॉस्टी का माइनस साइंटी इन टू साइंटी होल अपॉन एलन कॉस्टी का होल स्क्न कॉस्टी का होल ऐसा कोई सीन बन रहा है है ना तो एलसीएम अगर ले लिया जाए तो अच्छा एलसीएम क्या लें? ये बन जाएगा कॉट टी और साइन टी टी वन से कम है तो तो पॉजिटिव हो गई होगा तो कॉट टी इंटू एल एन कॉस्टी प्लस टेन टी इंटू एलेन साइन टी अपॉन एल एन टी का होल स्क्वायर अच्छा ये टी जो इंटरवल आ रहा है वन बाई फोर मतलब वन से भी कम है वन से भी कम है तो इसका मतलब है कि वन ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल होता है वन ज्यादा से ज्यादा होगा जाके फिफ्टी सेवन डिग्री रेडियन में है ना तो आई थिंक उस केस में टेन टी कॉस्ट टी ये तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे ये तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे लेकिन साइन की वैल्यू से छोटी होगी की वैल्यू से छोटी होगी तो एल एन साइन टी निगेटिव होगा यानी जो फंक्शन में डिजाइन किया है ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है दे आर फोर एफेक्स डिक्रीज ऑन एफेक्ट एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के लिए

बड़ा पॉइंट है है ना तो ऑब्वियस सी बात अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे पॉइंट पर बड़ी वैल्यू आएगी यानी एफ ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर ये डेफिनेटली डोमिनेट करेगा एफ ऑफ टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर पर और ये इस पे डोमिनेट करेगा तो इसका मतलब एफ टी वन से बड़ा हो जाएगा दे आर मतलब ऑब्वियसली ये इस, मतलब इस पर डोमिनेट करने का मतलब है कि हमने ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया ये प्रूफ कर दिया ये प्रूफ करने वन से, से बड़ा हो गया तो पूरी पिक्चर टू से बड़ी हो गई ठीक है ना तो कुछ यही प्रूफ करना था प्रूफ। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन था ठीक है ना इसमें कैलकुलस थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था कैलकुलस का और बाकी सारा पार्ट तो ट्रिगो का था ये सही ठीक है ना तो जे में जी जो प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं उसमें भी कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चंस होते हैं जिसमें देखने में लगता है कि हाँ वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है लेकिन हाँ देखने में लगता है जैसे कॉस ए की पावर ए कॉस बी की पावर बी कॉस सी की पावर सी अगर मैं बोलूँ इसकी मिनिमम वैल्यू के बताओ या मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो वही होता है कि कुछ जेंसन इन वगैरह यूज हो जाती है तो ट्रिगो प्लस कैलकुलस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है पेपर में अब बात ये अगर आपने जेंसन सीन वगैरह पढ़ रखा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं है ना? चलिए देखिए क्या है तो इस एक्सप्रेशन की अपने को मिनिमम वैल्यू निकाल ली है ठीक है मैंने इसको एफ एक्स कॉल कर लिया इसको क्या कॉल किया मैंने एफ एक्स तो एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या मोड ऑफ एस प्लस सी लिख रहा हूं एस स्टैंड फॉर साइन एक्स सी स्टैंड को कर दिया बन बनोपोन सी प्लस कॉसिक एस सी एस सी मतलब लाइक दैट है ना एस स्टैंड साइन एक्स एंड सी स्टैंड फॉर कॉस एक्स तो यहां पर थोड़ा सा काम कर सके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन बन जाएगा तो एस प्लस सी प्लस एस बाई सी प्लस सी प्लस एस लिया लेन प्लस सी प्लस एस बाई सी एस ये आ गया एफ एक्स ना <laughs>

वैल्यू क्या देगी टी स्क्स तो इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस आएगा टी है ना अच्छा एक और बात प्लस को टी बोल रहे हैं है ना तो टी पर रेस्ट्रिक्शन क्या होगी टी कहां से कहां तक होगा साइन एक्स प्लस की रेंज होगी माइनस रूट टू से रूट टू माइनस रूट टू से रूट टू मूव करेगा तो ये नया फंक्शन टी प्लस सी प्लस एस को टी बोल दिया और यहां से सी एस की वैल्यू निकाल ली सी एस की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस वन वाई टू टी स्क्वायर माइनस वन और ऊपर टू आ जाएगा समथिंग लाइक दैट ठीक है ना तो इस तरह का सीन आएगा अब कॉमन फैक्टर आप ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं दिस विल एम्प्लाईज एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ टी प्लस वन प्लस टी टी प्लस वन कैंसिल हो जाएगा वन प्लस टी प्लस टू अपॉन आई थिंक क्या आएगा टी माइनस वन टी प्लस वन कैंसिल टी माइनस वन और एफ एक्स नहीं है यहाँ पर एफ टी है कुछ इस तरह का सीन बनेगा और इसके अपने को क्या चाहिए थी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी है ना मैक्सिमम तो वैसे ही नहीं पूछेगा टेन तो एक्स इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो एक काम कर दे एम का मन कर रहा है यार, AMGM लगाया जाए इसको देख कर, तो ऐसा ही सीन ऊपर बना लेते हैं लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा कि टी की रेंज है ए एम जी एम को हमें चेक करना पड़ेगा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए है ना तो एक काम किया सीन पहले बना लिया वन ऐड कर लिया और वन सब्रैक्ट कर लिया माइनस वन प्लस टू अपॉन टी माइनस वन है ना और इसको लॉक कर लिया ये हमारे पास एफटी आ गया लेकिन अब प्रॉब्लम यार ये है कि टी जो है अगर 1 से बड़ा है तब तो ये पॉजिटिव है तब तो अपन ईएमजीएम लगा सकते हैं लेकिन अगर टी अगर 1 से छोटा है 1 से छोटा आएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा तो आई थिंक हमें अब इस स्पॉट पर दो केस बनाने पड़ेंगे इस स्पॉट पर है ना पहला केस पहला केस स्ट एफ टी इज ग्रेटर देन वन अगर अपन टी को वन से बड़ा लेते हैं टी को वन से बड़ा ले लेते हैं तो फिर ये क्वांटिटी देन वन एम्प्लाइज वन एम्प्लाइज एफ टी मेरे पास क्या आएगा एफ टी मेरे पास आएगा मोड के अंदर वन प्लस इसमें ई आप लगा सकते हैं तो दिस प्लस दिस वाई टू ग्रेटर टू टू टाइम्स इनका प्रोडक्ट टू रूट टू है ना वन प्लस टू रूट टू एफ टी इज ग्रेटर और एम जी एम लगाया हमने यहाँ पे क्या लगाया है एम जीएम एफ टी इक्वल टू पहले लिख देते हैं वन प्लस टी माइनस वन प्लस टू अपॉन टी माइनस वन तो एम जी एम से टू रूट टू से बड़ी आएगी और टू रूट टू से बड़ी तो वन प्लस लेकिन हमें ये देखना भी पड़ेगा क्या यहां पर कभी इक्वालिटी आएगी भी या नहीं आएगी है ना इक्वालिटी वैसे आएगी कब जब ये नंबर और ये नंबर सेम हो इक्वालिटी एग्जिस्ट इफ टी माइनस वन का होल स्क्वायर दोनों का सेम करने का मतलब टू तो टी माइनस वन की वैल्यू अपन रूट टू लेंगे माइनस रूट टू नहीं लेंगे माइनस रूट टू में प्लस वन करेंगे तो वो वन से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये तब आएगी जब टी की वैल्यू रूट टू प्लस वन हो

और डेरिवेटिव निकाल कर हम बता सकते हैं टी क्या था रूट टू तक जाएगा और कहां से कहां टी को रूट टू वैल्यू एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं कितनी आएगी लेकिन तो इससे ज्यादा ही आएगी तो अभी अपन उसको डिस्कस ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं केस सेकेंड की बात करते हैं वो वाला केस जब टी वन से छोटा है तभी एक निगेटिव क्वान्टिटी कितना वर्क करेगा है ना के सेकेंड के सेकेंड अगर टी बिलोंग करता है माइनस रूट टू से वन में है ना देन वन एम्प्लॉइज मॉड ऑफ वन है ना अब इस केस में यार देखो टी माइनस वन कैसा नंबर होगा निगेटिव तो माइनस कॉमन ले, ले लेते हैं ये भी निगेटिव होगा ये भी दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस कॉमन लेके टी माइनस वन को वन माइनस टी कर देते हैं वन माइनस ये बन गया वन माइनस टी वन माइनस टी प्लस टू अपॉन वन माइनस टी ऐसा कुछ कर लिया समथिंग लाइक दैट वन माइनस टी प्लस टू अपॉन वन माइनस टी और इसमें ए एमजीएम लगा दिया और इसमें एएमजीएम लगाएंगे तो ये क्वांटिटी डेफिनेटली एएमजीएम में टू रूट टू से बड़ी होगी है ना और t वन से छोटा है तो वन माइनस टी तो पॉजिटिव नंबर आएगा ही आएगा तो यहां से एफ टी कैसा आ जाएगा एफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये टू रूट टू से बड़ा नंबर होगा अगर हम इसको टू रूट टू डाल रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इस डिफरेंस को और छोटा कर रहे हैं तो यानी इससे तो बड़ा आए आएगा ही आएगा डेफिनेटली और ये क्वांटिटी निगेटिव है तो ये Mod भी किससे ओपन हो जाएगा पॉजिटिव साइन से कुछ इस तरह का सीन बनेगा टू रूट टू माइनस वन ग्रेटर वन यहां पे इक्वालिटी कब आएगी यानी ये मिलेगी कब इक्वालिटी एग्जिस्ट इफ अच्छा पीछे केस में कितनी आ रही थी टू रूट टू प्लस वन आ रही थी ना और इवन ये मिल भी नहीं थी इससे बड़ी वैल्यू आएगी तो ये तो उससे तो छोटी वैल्यू है टू रूट टू माइनस वन अब देखना पड़ेगा ये कब आएगी जब वन माइनस टी की वैल्यू क्या आ जाए वन माइनस टी की वैल्यू आ जाए रूट uh, टू है ना वन माइनस टी पॉजिटिव नंबर होगा इसको स्केप कॉल कर दिया तो टी की वैल्यू क्या आ जाए वन माइनस रूट टू और ये अलाउड है ये अलाउड है ये अलाउड है तो मिनिमम वैल्यू आपके पास फंक्शन की क्या आ जाएगी टू रूट टू माइनस वन है ना देर फोर मिनिमम वैल्यू दे फोर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज टू रूट टू माइनस वन यही था मतलब इसमें आप एम एम भी देख सकते थे चाहो तो थोड़ा बहुत कैलकुलस भी लगा सकते थे ठीक है ना बच्चों जस्ट मिनट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपको फोर नंबर किए एक्स वाई

बेस तो और एक्सपोनेंट दोनों वेरी करेंगे तो ऐसे case में में क्या है? कैसे start लेना चाहिए? एक एक बार ऐसा करते करते हैं हैं। हैं। पहले पहले को को छोड़ते ये जो इनमें मेरे मेरे से दो ही चीजें दिख रही हैं है ना ठीक है एल्फा कैसा है जीरो से फाइव फोर है बीटा जीरो से वन है अच्छा अगर बेस फ्रैक्शन में हो तो लॉक का लॉग के ग्राफ की अगर बात करें फ्रैक्शनल uh, बेस पर तो समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ आता है ये जीरो हो गया ये वन कॉमा जीरो ये वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बीटा अब बीटा कैसा है जीरो से वन है तो ऐसा आएगा ग्राफ डिग्रेजिंग फंक्शन आएगा अच्छा एल्फा जीरो से पाई बाई फोर है और पिक्चर में साइन एल्फा और कॉस एल्फा है तो सिंस एल्फा अगर जीरो से फाई बाय फोर है तो जीरो से फाई फोर में साइन का ग्राफ नीचे होता है कॉस का ग्राफ ऊपर होता है साइन एल्फा जो होगा डेफिनेटली वो कॉस एल्फा से छोटा होगा है ना और ये जीरो से तो बड़ा हो ही होगा कोई भी ले और ये बंद से छोटा होगा ठीक है ना ऐसा कुछ बन गया अच्छा साइन एल्फा कॉस एल्फा से छोटा है तो अगर हम इस पिक्चर का लॉग लें टू द बेस बीटा तो लॉग लेंगे बेस फ्रैक्शन uh, में यानी ग्राफ डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब इसमें अप्लाई करेंगे तो इनिक्वालिटी का सेंस चेंज हो जाएगा एक टू एक लॉग रहते अगर हम बीटा बेस पर लॉग ले लें तो यहां से क्या लिख सकते हैं लॉग साइन एल्फा टू द बेस बीटा इज ग्रेटर देन लॉग कॉस एल्फा होता बेस बीटा भाई डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इन इनइक्वालिटी का सेंस रिवर्स हो जाएगा तो ये लेस था तो यहाँ पे ग्रेटर हो गया हमने एक्सपोनेंट पे काम कर लिया एक्सपोनेंट पर हमने काम कर लिया है और ये रिजल्ट मिला है ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है ठीक है अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आई थिंक हमने एक्सपोनेंट पे काम कर लिया है मेरे को रिजल्ट मीनिंगफुल मिल गया है अब अपन बात करते हैं ओवरऑल नंबर एक्स वाई जेड पर है ना तो, तो कैसे चलना चाहिए दो के बेस में मुझे साइन दिख रहा है एक के बेस में मुझे कॉज दिख रहा है तो मेरे लिए इजी ये रहेगा कि अगर मैं बेस को पकड़ के चलू बेस को अगर मैं पकड़ के दोनों का बेस पकड़ लिया फिर पावर गेटम में हम कंपैरिजन कर सकते हैं है ना तो पहला मैं चाहूंगा कि साइन साइन में कंपैरिजन किया जाए है ना तो दोनों का बेस सेम है दोनों का बेस सेम भी है और एक और बात है अल्फा जीरो से पाया फोर है

और एक्सपोनेंट अगर हम देखें तो ये दिख रहा है तो यहां पर ये पावर, ये पावर पावर बड़ी है ये पावर बड़ी बड़ी है है और ये पावर है। तो बड़ी पावर छोटी तो पर बड़ी पावर पर छोटी वैल्यू आएगी और छोटी पावर पर बड़ी वैल्यू ध्यान से देख लो यार आ, ऐसे फील करो तुम लोग ऐसे भी फील कर सकते हो जैसे मान लो बेस में हाफ हो पावर फाइव कर दें और एक बार हाफ की पावर थ्री कर दें तो बेस इन दोनों का क्या है जीरो सेवन है और ये पावर बड़ी है ये पावर छोटी है तो ऑब्वियसली छोटा बड़ी पावर करने पे छोटा नंबर मिलेगा तो यहां से ये समझ में आ गया है कि अगर ये छोटा है तो एक्स और जेड में अगर हम कंपेयर करेंगे डेफिनेटली एक्स इज स्मॉलर देन जेड एक्स जेड से छोटा होगा है ना अच्छा एक्स और जेड को देख लिया मैंने एक्स जेड से छोटा है अच्छा, अगर x और y में निकाले x और वाई में, में ज्यादा बेटर है हम आ, रिलेशन वाई और जेड में निकाले क्योंकि यहाँ दोनों चेंज हो रहे हैं आई थिंक ज्यादा सोचना पड़ेगा कम सोचना पड़ेगा इस केस में y और जेड वाले केस में है ना क्योंकि यहाँ पर पावर सेम आ रही है पावर सेम आ रही है तो सीधा कंपैरिजन बेस में होगा और ये तो खत्म हो गया ये खत्म हो गया बिल्कुल खत्म हो गया बिकॉज क्यों क्योंकि से में एल्फा, एल्फा से में बड़ा होता है और अगर बेस इससे बड़ा है दोनों में सेम पावर रेस करेंगे ऑब्वियसली वाई जो होगा बाई बड़ा होगा जेट से एक्स छोटा है जेट से बाई बड़ा है जेट से या फिर हम इसे ऐसे लिख दें जेड इज लेस देन वाई है ना x z से छोटा है z y से छोटा है तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं जैसा ये रिलेशन मुझे यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहे हैं सबसे छोटा होगा x उससे बड़ा होगा z और सबसे बड़ा होगा y दोनों को कनेक्ट कर लिया x लेस देन z लेस देन y y सबसे बड़ा है y यहाँ पर ही आ रहा है x लेस देन z लेस देन y कुछ इस तरह से वर्क कर लिया ठीक है बच्चों मूव करते हैं आगे

मतलब ये जो टिग्नोमेट्रिक की क्वेश्चन दे रखी है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसमें दो टाइप के सोल्यूशन आ रहे हैं एक वो सोल्यूशन है जिसमें ये K और एल्फा जो पैरामीटर ये जो कॉन्स्टेंट गिवेन है ये इन्वॉल्व नहीं है और एच वो वाला सोल्यूशन है जिसमें के और एल्फा इन्वॉल्व है ठीक है ठीक है ओके अब पहला क्वेश्चन फाइंड द कंडीशन ऑन के एन एल्फा सच दैट एच इज ए नॉन एपटी सेट है ना तो पहले तो यहां तक ही कम कर लेते उसके बाद आगे पढ़ते हैं पहले तो इसके सोल्यूशन पर बात कीजिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके सोल्यूशन पर बात की जाए तो आई थिंक आई थिंक वही टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और के वाली फैमिली एक्साइट कर लेते हैं के वाले दो टर्म पिक्चर में दिख रहे हैं है ना तो के तो मैंने कॉमन ले लिया और टू से मल्टीप्लाई कर लिया कुछ इस तरह से स्टार्ट ले लिया टू कॉस एक्स कॉस ऑफ टू एक्स माइनस एल्फा इसको इधर ले आते हैं माइनस टू कॉस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस एल्फा ठीक है ना तो के वाले टर्म आ गए अब के से फ्री टर्म कौन से हैं ये रहा कॉस ऑफ एक्स माइनस एल्फा और एक टर्म ये वाला होगा वन इंटू दिस इसको उधर शिफ्ट कर दिया माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ टू एक्स माइनस एल्फा

फॉर्मूला लगाते हैं टू कॉसे कॉस बी टू कॉ एस बी क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यहां पर लगा देते हैं टू कॉसे कॉस बी तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी तो प्लस के प्लेस पर हो जाएगा माइनस दिस माइनस देस तो कॉस ऑफ एक्स प्लस ल्फा ऐसा बन रहा है इक्वल टू ये तो एज माइनस तो इसमें लगाते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा दिस माइनस दिस माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस एल्फा कुछ इस तरह का सीन बन रहा है और कुछ टर्म मुझे कैंसिल होते देख रहे हैं इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया और अब आगे है के टाइम्स कॉस ऑफ एक्स माइनस एल्फा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एल्फा ओके यहाँ भी कुछ हल्का हो रहा है क्योंकि ये वाला टर्म से ये तो कैंसिल हो ही रहा है कॉस ऑफ एक्स माइनस एल्फा माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स माइनस एल्फा समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरह का सीन बन गया ठीक है अभी भी अपन मूव कर सकते हैं आगे आई थिंक कुछ हो सकता है फैक्टर कौन मिले कॉस सी माइनस कॉस जी लगाते हैं यहां पर कॉस सी माइनस कॉस जी क्या बनेगा टू साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू

टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू साइन डी माइनस सी बाई टू टू एक्स थ्री एक्स माइनस एल्फा माइनस एक्स एक साइन एक्स और टू तो से तो टू कैंसिल कर दिया और अब हम उस आई थिंक फर्स्ट स्टॉपेज तक पहुंच चुके हैं एक फैक्टर हमें कॉमन मिल चुका है तो साइन एक्स को तो मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ रहा है टू साइन एल्फा माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू का सीन बन गया है ठीक है ना अगर इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या फिर जीरो इसको होना पड़ेगा तो बात कर लेते हैं इफ sin x zero, अगर पहला कंपोनेंट जीरो लेते हैं तो यहां से मेरे पास एक्स इक्वल टू क्या आ गया एन पाई एन पाई ये सोल्यूशन जो है इसमें ना तो के आ रहा ना एल्फा आ रहा है तो यही सेट एस आ गया इन्होंने कहा था एस बोला सेट है जिसमें के और अल्फा नहीं आ रहा इंडिपेंडेंट है तो यही सेट एस आ गया सेट एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एन पाई सच दैट एन क्या होगा एक इंटीजर तो ये तो हमारे पास सेट एस आ गया अच्छा अब एच एक दूसरा सॉल्यूशन बोला था इन्होंने एच बोला सॉल्यूशन था जिसमें हम्म एस वाला सोल्यूशन था जिसमें के और अल्फा आ रहा है अब दूसरा कंपोनेंट जीरो लेते हैं तो एफ नेक्स्ट कंपोनेंट तो साइन एक्स जीरो ले लिया एफ अच्छा दूसरा कंपोनेंट जीरो लेंगे एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है मैंने टू तो कैंसिल कर ही दिया था यहां पर के आ रहा था तो इसको जीरो करते हैं तो साइन ऑफ टू एक्स इक्वल टू तो के साइन एल्फा इस कंपोनेंट के दूसरा सोल्यूशन मिलेगा लेकिन यहां पर इन्होंने बोला था एक्स मतलब की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिले ऐसा ना हो कि नो सोल्यूशन आ जाए तो ऑब्वियसली सोल्यूशन मिलने की गारंटी क्या है यार ये लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है साइन ऑफ एनीथिंग ऑलवेज लाइफ बिटवीन माइनस वन टू वन मान लो अभी अगर के और एल्फा का मैं कुछ ऐसी वैल्यू पिक करूँ जिससे टू से बड़ा हो जाए फाइव से बड़ा हो जाए तो कोई सोलूशन नहीं मिलेगा सोल्यूशन मिलने की नेसेसरी कंडीशन है ये नंबर इस नेटवर्क के अंदर लाई करना चाहिए है ना फॉर एच टू बी नॉन एम्पटी अगर हम चाहते हैं एच नॉन एम्पटी हो देन कंडीशन क्या लगाएंगे दिस क्वांटिटी ये जो क्वांटिटी है ये इस रेंज के अंदर लाई करे के साइन अल्फा जो है वो माइनस वन सेवन लाई करे ठीक है ना ये लाई करे के सैन एल्फा माइनस वन सेवन करेगा तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा ये वाला पार्ट कर लिया अब बस लास्ट टाइम पे आ जाते हैं कंडीशन में निकाली एस ये रहा और यहाँ की सॉल्विंग से हमें वो सोल्यूशन मिल जाएगा जो केवल्पा पर डिपेंडेंट है अब इनका क्वेश्चन है इफ ए सबसेट ना तो ये बोला गया है कि H, H, कौन सा, uh, होगा? ये वाला होगा मतलब इसको सॉल्व करने से जो एक्स की वैल्यूज आएंगे वो सेट एच के मेंबर होंगे तो इन्होंने बोला है कि अगर हम सेट एच uh, में अगर हम पहले के को जीरो डालकर के को जीरो डालकर इस सोल्यूशन को निकाले K को डाल के को जीरो सोल्यूशन निकाले और वो जो सोल्यूशन है अगर वो इस सेट के अंदर लाई कर रहा है तो एल्फा क्या क्या हो सकता है है ना तो इसको मैंने वन कॉल किया उस डायरेक्शन में चलते हैं कि जब के जीरो होगा है ना इस पॉइंट पर बात करते हैं जिस समय के जीरो है एट द टाइम वन क्या मिलेगा आ, जीरो डालेंगे तो साइन ऑफ टू एक्स माइनस एल्फा जीरो आ जाएगा साइन का एंगल कोई भी जीरो हो तो टू एक्स माइनस एल्फा को हमने कुछ पी पाई टाइप का बोल दिया कुछ भी बोल दो पी पाई क्यू पाई आर पाई एस पाई टू एक्स माइनस एल्फा को एस si पाई बोल दिया तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली और ये किस लाई कर रहा है इंटरवल जीरो से पाई in ठीक है ना निकालना क्या मुझे अल्फा की वैल्यूज निकालनी टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले अल्फा प्लस पी पाई कहा से कहां तक होगा टू से मल्टीप्लाई किया तो जीरो से टू पाई

देखिए क्या दे रखा है द सम एक्सपेरिंग पेरिंग फ्रॉम टू टू फोर्टी फोर टू साइन एक्स साइन वन इंटू वन प्लस इन दिसम ठीक है सिंपल द क्वेश्चन है सिंपल द क्वेश्चन है लेकिन करंट uh, जेई का जो पैटर्न चल रहा है जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस फॉर्म बनाई जाती है पिछले दो तीन तीन चार सालों से पुराने पेपर उठा के देखें टू थाउजेंड एटीन में भी क्वेश्चन इस टाइप पर आया हुआ है है ना तो, तो कुछ उसी टाइप का है डिफरेंस फॉर्म वही टेलीस्कोपिक सीरीज वगैरह बनती है तो so, डिस्कस करते हैं इसको भी क्या दे रखा है इस सीरीज uh, के सम को मैंने एस कॉल किया है लेट एस इक्व एक्सपेलिंग फ्रॉम टू टू फोर्टी फोर है ना टू साइन एक्स साइन वन टू साइन एक्स साइन वन इंटू वन प्लस सेक ऑफ़ एक्स माइनस वन इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस वन ऐसा कुछ दिया हुआ है ठीक है ना तो टू साइन ए साइन बी टू साइन ए साइन बी प्रोडक्ट को सम में चेंज कर लेते हैं एक्स वेरिंग फ्रॉम टू टू फोर्टी फोर टू साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी को एक्स माइनस वन ही लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू वन प्लस वन अपॉन ऑफ़ एक्स माइनस वन इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वन एक्स वेरिंग फ्रॉम टू टू फोर्टी फोर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस ऑफ एक्स माइनस वन और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन और माइनस बन अपॉन ऐसा बन रहा है ये फोर टर्म्स मेरे को पिक्चर में दिख रहे हैं है ना अच्छा यहाँ पर टू से फोर्टी फोर है और यहाँ पर वन से फोर है तो यानी है कि डिफरेंस फॉर्म बनानी है हमको और टर्म कुछ कैंसिल करने तो आई थिंक मैं इसको इसके साथ क्लब करना पसंद करूंगा और आई थिंक इसको इसके साथ तो एलसीएम ले लिया जाए एक्स वेरिंग फ्रॉम टू टू फोर्टी फोर ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस वन और ये बन गया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वन ऐसा कुछ बन रहा है ठीक है ना तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ये भी वन माइनस माइनस कॉमन लेके ये भी साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह की डिफरेंस है एक्स वेरिंग फ्रॉम टू टू फोर्टी फोर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जस्ट एस इक्वल टू टू वेरिंग टू फोर्टी फोर एस इक्वल टू सिमा एक्स वेरिंग फ्रॉम टू से फोर्टी फोर टू से फोर्टी फोर और इसको पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस वन माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन नीचे साइन नहीं नीचे कॉस है नीचे कॉस है कॉस ऑफ एक्स माइनस वन इस तरह की एक डिफरेंस सीरीज बन रही है टेलीस्कोपिक सम है टेलीस्कोपिक सीरीज है ठीक है और इन दोनों में गैप भी टू का आ रहा है तो अब अगर इसको एक्सपैंड करें एक्स को टू पुट करें तो पहला टर्म आएगा साइन स्क्वायर थ्री अपॉन कॉस थ्री माइनस साइन स्क्वायर वन अपॉन कॉस वन ये पहला टर्म आया प्लस तो दूसरा टर्म एक्स को थ्री डालेंगे थ्री डालेंगे तो साइन स्क्वायर फोर अपॉन कॉस फोर डिग्री माइनस साइन स्क्वायर टू डिग्री अपॉन कॉस टू डिग्री प्लस ऐसे ही के को एक्स को थ्री टू थ्री फोर डालेंगे फोर डालेंगे साइन स्क्वायर फाइव डिग्री अपॉन कॉस फाइव डिग्री माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थ्री डिग्री अपॉन कॉस थ्री डिग्री ऐसे चलेगा अब ये टर्म देखो इससे कैंसिल होगा तो आ रहा था एक छोड़ के कैंसिल होगा एंड अप टू सो वन सबसे लास्ट टर्म की so तो तो लास बात कर लेते हैं लास्ट क्या आएगा अपॉन कॉस फोर्टी थ्री ये टर्म आएगा तो देखो ये वाला टर्म जो है इस टर्म को कैंसिल करेगा तो दो छोड़ के कैंसिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इसके नीचे वालों को ये इसके नीचे वाले को तो दो टर्म यहाँ पे सरवाइव करेंगे ये बच जाएंगे है ना क्योंकि स्टार्टिंग थ्री से हुआ है दो इधर बचेंगे तो ऑब्वियसली दो इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा तो एक इसके ऊपर बचेगा एक ये बचेगा दो इधर बचेंगे तो दे फोर ये जो सम मेरे पास आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव पहले तो ये इधर आएगा साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव फोर

-1 की पावर से फोर है तो वन और थ्री डालेंगे तो दो टर्म आएंगे 2 और 4 डालेंगे तो दो पॉजिटिव टर्म आएंगे और इनका डिमांड क्या है कि ये जो आप फंक्शन बना रहे हैं और साई के फंक्शनोमेट्रिक फंक्शन टू थीटा थ्री थीटा, थीटा दीटा 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 फोर के लिए है ना और फंक्शन क्या है यहाँ पर ये बात देख लेना फंक्शन मैटर नहीं कर इन्होंने पूछा है कि थीटा वन थीटा टू ये जो चार एंगल आएंगे उनका सम पूछा है यानी फाइव और साई के चक्कर में फंसना नहीं है यहाँ पर समझ गए ना फाइव किसको ले साई किसको ले उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें एंगल चाहिए हमें एंगल पे काम करना है टिग्नोमेट्री फंक्शन से कुछ नहीं लेना है आप चाहो तो फाइव को ऊपर वाले को आई थिंक फाइव बोला है इन्होंने हाँ ऊपर वाले को फाइव नीचे वाले को साई आप चाहो तो, तो फाइव एक्स को कुछ ऐसे लिया फाइव थीटा को ऐसे ले लो फाइव थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा ले लो और साई थीटा को आप ऑस थीटा ले लो ऐसे ले सकते हो बहुत सारे तरीके हैं या फिर आप चाहो तो बहुत सारे मतलब वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर आप चाहो तो साइन को नीचे ले आओ तो इसको केवल साइन थीटा लो और साइन को एक साइन के डिवाइड देकर टेन थीटा बना दो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कॉस वाले को ऊपर ले जाओ साइन स्क्वायर नीचे लाओ ऊपर फाइव को कॉस सेक फोर्टी फोर बोल दो इसको कॉसिक स्क्वायर फोर्ट फोर तो बहुत सारे तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑब्वियसली दो टर्म पॉजिटिव साइन के आएंगे दो नेगेटिव उससे मतलब है नहीं हमें तो बस चारों एंगल का सम चाहिए था थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा, थी थीटा फोर है ना यही पूछा था ना हाँ यही पूछा था और ये जो एंगल है जीरो से फोर्टी फाइव डिग्री के बीच में आएंगे और वैसा कि आ भी रहे आ, एक फोर्टी फोर फोर्टी फाइव और एक वन और एक टू तो फोर्टी फोर प्लस फोर्टी फाइव प्लस वन प्लस टू यानी ये फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइन्टी नाइन्टी टू डिग्री आ रहा है सम इज नाइन्टी टू डिग्री ठीक है बच्चों तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी चलिए आगे मूव करते हैं ए दे रखा है तो तो एट फाइन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट दिस इज एन इंटीजर मतलब मेरे को एक सीरीज दे रखी है टिग्नोमेटिक सीरीज का पहली क्वेश्चन है और एक की वैल्यू एक पर्टिकुलर एंगल दे रखा है बोला है कि

टू कॉस टू कॉस आर स्क्वा टू कॉस आर स्क्वायर ए इंटू साइन आर ए इसका जर्नाटम हो गया आर को वन डालेंगे पहला टर्म आएगा टू डालेंगे दूसरा टर्म आएगा आर को एन डाल देंगे लास्ट टर्म आ जाएगा है ना जनटर्म लिख दिया अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देते प्रोडक्ट को सब चेंज करने वाला तो टू कॉसे साइन बी टू कॉसे साइन बी होता है अपने पास टू कॉसे साइन बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी ए प्लस बी मीन्स आर स्क्वायर ए प्लस आर ए साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी आर स्क्वायर ए माइनस आर ए है ना तो यह आएगा सिग्मा आर वरिंग फ्रॉम वन टू तो एन टाइन ऑफ आर ए अगर मैं कॉमन ले लू आर इन टू आर ए कॉमन ले लू तो आर प्लस वन आएगा ना आर ए कॉमन लिया आर स्क्वायर प्लस आर इन टू आर प्लस वन इंटू ए आ गया माइनस यहाँ पे आएगा आर इंटू आर माइनस वन टाइम्स ए कुछ इस तरह का सीन बन गया ये फिर से कोई टेलीस्कोपिक सीरीज है है ना आर को वन से एन तक वेरी कराइए आर को वन डालेंगे तो साइन ऑफ अच्छा अब ये डायरेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट कर देते हैं आर को वन से एन डालेंगे तो वन डालेंगे दो ही टर्म सर्वाइव करेंगे क्योंकि आर प्लस वन कन्वर्ट हुआ आर में आर आर माइनस वन यानी दो कल दिखे टर्म जो पिक्चर में दिखाए उनकी की डिफरेंस फॉर्म है तो दो टर्म सर्वाइव करते हैं एक है स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट आएगा जब मैं आर को एन डालूंगा इसमें बड़े वाले में है ना ये डिफरेंस एक बार लिख चुका आप लिख के देख लीजिएगा आर को वन डालेंगे तो ये जीरो बन जाएगा तो पूरी सीरीज का सम मेरे पास आ गया है साइन ऑफ एन इंटू एन प्लस वन इंटू ए और ए की वैल्यू आउटपुट कर देते हैं पाई अपॉन टू थाउजेंड एट ये आ गया अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है हम चाहते हैं ये एक इंटीजर हो ये क्वांटिटी एक इंटीजर हो है ना तो किसी भी एंगल का साइन लेने पर इंटीजर कब आता है मतलब इंटीजर क्या क्या हो सकता है वन माइनस वन और जीरो हो सकता है

उसके लिए नेसेसरी है कि ये पाई बाई टू का मल्टीपल हो ने एन इंटू एन प्लस वन इंटू पाई अपॉन टू थाउजेंड एट इक्वल टू क्या हो पाई बाई टू इंटू सम इंटीजर पाई बाई टू इंटू मैंने कुछ बोल दिया पाई बाई टू इंटू के यहाँ पर के क्या है एन इंटीजर ऐसा होना चाहिए तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ठीक है तो के की वैल्यू नहीं के की वैल्यू नहीं पाई अपॉन मतलब ये क्वांटिटी इंटीजर बनने के लिए ज़रूरी है मतलब इसका मतलब हुआ कि एन इंटू एन प्लस वन अपॉन वन थाउजेंड फोर ये क्या होना चाहिए एन इंटीजर होना चाहिए एन इंटू एन प्लस वन अपॉन वन थाउजेंड फोर ये एक इंटीजर होना चाहिए है ना और इनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी तो इसका प्राइम factorization कर लेते हैं वन थाउजेंड फोर इसके फैक्टर क्या आएंगे टेन फाइव जीरो टू सेवन वन एट थ्री से डिजल होगा नहीं है थ्री के बाद फाइव है नहीं सेवन सेवन थ्री ट्वेंटी वन सेवन थ्री ट्वेंटी वन फोर्टी वन सेवन से भी नहीं है नाइन से तो वैसे ही नहीं होगा कि सम जो है न, डिजिटल सम सेटिस्फाई नहीं कर रही है इलेवन टू सा ट्वेंटी टू इलेवन से भी नहीं है थर्टीन 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 बन जाए थर्टीन और वन ट्वेंटी वन ना 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 इसका तो प्राइम नंबर है टू फिफ्टी वन कैसा नंबर हो गया प्राइम क्योंकि टू फिफ्टी वन का जो स्क्वायर रूट होगा वो फोर्टीन से फिफ्टीन के बीच फिफ्टीन से सिक्सटीन के बीच आएगा और फिफ्टीन तक के मैंने सारे प्राइम नंबर चेक कर लिए तो ये इससे डिविजिबल है नहीं यानी टू फिफ्टी वन कैसा नंबर हो गया प्राइम हो गया तो so, 1004 के फैक्टर मेरे पास आ गए 2 इनटू 2 इनटू 251 और ये कैसा नंबर है 251 प्राइम नंबर है है ना 251 अपने पास कैसा नंबर आ रहा है प्राइम नंबर यानी n इनटू n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर इनटू 251 इंटीजर आना चाहिए और ये हमारे पास प्राइम नंबर है तो इसका Uh, मतलब इस टू फिफ्टी वन ये मल्टीपल्स ऊपर होने चाहिए तो टू फिफ्टी वन जब तक ये कैंसिल नहीं हुआ तब तक तो आएगी नहीं बात तो प्राइम भी है ये तो ऐसा हो नहीं सकता कुछ इधर से कैंसिल हो जाए कुछ इधर से कैंसिल हो जाए पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक फैक्टर को उठानी पड़ेगी तो अगर अपन एन को टू फिफ्टी ले देखें अगर मैंने एन को टू फिफ्टी ले देखा तो चेक करते हैं क्या ये बात बन जाएगी एन को टू फिफ्टी लेंगे तो ये वाला टू फिफ्टी वन बना ये इससे कैंसिल हो गया टू फिफ्टी बाई फोर टू फिफ्टी बाई फोर वन ट्वेंटी करेगा है ना? लेकिन अगर ले ले, तो टू फिफ्टी वन टू फिफ्टी टू टू फिफ्टी टू बाई फोर टू फिफ्टी टू बाई फोर का मतलब होगा फोर सिक्स फोर डिवाइड करेगा फोर सिक्स ट्वेंटी फोर फोर सिक्स ये वर्क कर रहा है

वैल्यू ऑफ एन इज 251 251 ठीक है बच्चों चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ये भी एक तरह का टॉवर फंक्शन है टॉवर दे रखा है कॉस एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स वी दे रखा है साइन एक्स पार कॉस एक्स पावर साइन एक्स और ये दे रखा है सी में और ये डी में मतलब भैया चार फंक्शन चार टॉवर दे रखे हैं फोर टॉवर फंक्शन है और वही है इनके बीच एक ऑर्डर रिलेशन अपने को डेवलप करना है ठीक है ना अब बात वही यार कि x मतलब जो हम यहां पर यूज हो रहा है वो जीरो से पाव फोर है तो स्टार्ट कैसे लिया जाए इस टॉपर फंक्शन में कैसे स्टार्ट लें तो वैसे ही जैसा भी हमने एक लॉग वाला क्वेश्चन करवाया था ना कि जिसमें हमने पहले एक्सपोनेंट को देख लिया था फिर एक्सपोनेंट के साथ बेस को रिलेट किया था तो मेरे बट इस क्वेश्चन में भी सेम रहेंगे है ना तो मैं तो ये कहता हूँ केवल आप पूरा क्वेश्चन मत देखो आप तो बस केवल ये वाला पार्ट देखो और इस पर वर्क करने का सोचो एक्सपोनेंट देखो एक एक दिख रहा है तीन ही नंबर मेरे को पिक्चर में दिख रहे हैं पहले मैं कहता हूं बेस को भूल जाओ पहले इस पर थोड़ा सा काम कर लो साइन एक्स टू दी पावर साइनेक्स पहला दूसरा cos x to the power sine x, तीसरा sine x to the power cos x, sine x to the power cos x. तो पहले इन टर्म्स पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं. कैसे कर ले? अच्छा x पर इंटरवल है जीरो से पाइप ए फोर. x अगर जीरो से पाइप ए फोर है, तो पहले sine और cos में जो ऑर्डर रिलेशन आएगा, ऑब्वियसली साइन छोटा होगा साइन इंक्रीज करता है कॉस डिक्रीज करता है और जीरो से तो बड़ा होगा ही होगा साइन एक्स जीरो से बड़ा होगा और साइन एक्स कॉस एक्स वन से छोटा होगा ठीक है ना ऐसा कुछ आ जाएगा ठीक है आ, अच्छा बेस साइन एक्स और तो कॉस एक्स दोनों जीरो से बन है बेस फ्रैक्शन में है बेस फ्रैक्शन में है तो पावर की बात करें आ, तो यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी किस से बात करूं यहाँ पर बेस छोटा है पावर भी छोटी है छोटा बेस छोटी पावर है ना और ये बड़ा बेस छोटी पावर बड़ा बेस इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो दोनों में पावर सेम है दोनों में पावर सेम है लेकिन बेस ये इस पर डोमिनेट कर रहा है तो डेफिनेटली मैं लिख पाऊंगा कि हाँ इन दोनों को पकड़ के चला हूं मैं पहले पहले मैंने इन दोनों को पकड़ा है पावर सेम है बेस देख ले फिर बेस में कंपेयर कर लिया ये इससे बड़ा है तो कॉस एक्स टू दावर साइनेक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स टू पावर साइन एक्स ठीक है ना ऐसा आ गया आफ्टर दैट अब अगर अपन आई थिंक बेटर रहेगा कि इसको अगर इसके साथ देखे हाँ इसको इसके साथ देख लेते हैं इन दोनों में बेस सेम है पावर की बात करो बेस सेम है इंपॉर्टेंट बात यह कि बेस है तो सेम लेकिन है फ्रैक्शन जीरो से वन के बीच है अगर बेस जीरो से वन हो ग्रफ डिक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग है तो कहने का मतलब है कि अगर हम छोटी पावर यहाँ ये ये पावर छोटी है ये पावर बड़ी है तो बड़ी पावर चढ़ाएंगे तो और छोटा नंबर होगा है ना तो दोनों का बेस सेम है जैसे पावर छोटी होगी वो बड़ा होगा जैसे पावर बड़ी होगी वो छोटा होगा तो आई थिंक आ, ये कॉफेक्स इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा आ जाएगा ये वाला टर्म इस पर डोमिनेट करेगा तो आई थिंक कुछ पार्ट तो हमने कुछ मीनिंगफुल वर्क तो कर लिया यानी ये जो एक्सपोनेंट से हमने उस पर काम कर लिया है है ना और ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिली है मेरे को ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली है मेरे को ठीक है ऐसा कुछ आ गया चलिए एक्सपोनेंट हमने काम कर लिया अब हमें बेस पकड़ के चलना है अब अगर मैं बेस को ऑब्जर्व करूं तो कहीं ना कहीं मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरे को ओ, बेस में क्या क्या है हाँ बेस में मुझे दो जगह कॉशेक्स दिख रहा है देखो दो जगह कॉशेक्स यानी ए और सी में कॉस आ रहा है बी और डी में साइन आ रहा है तो अपन यही करते हैं यार ए की फाइट कराते हैं बी के साथ ए वर्सेस सी एक गेम खेलते हैं और बी वर्सेस डी दूसरा गेम खेलते हैं है ना तो ए वर्सेस सी अगर गेम खेले ए वर्सेस सी आ, एक्स हाँ ए वर्सेस सी देखें तो ए वर्सेस सी देखें दोनों का बेस सेम है आ, दोनों का बेस सेम है और दोनों का बेस जीरो से वन है अब पावर की बात करते हैं पावर जिसकी छोटी होगी वो बड़ा होगा साइन एक्स पावर साइन एक्स साइन एक्स पावर साइन एक्स और साइन एक्स पार एक्स अच्छा ये नंबर इस नंबर से बड़ा है ये नंबर बड़ा है ये बड़ा है ये छोटा है इन दोनों की बात करें तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं क्योंकि बेस सेम है बेस की वैल्यू जीरो सेवन है तो बड़ी पावर पर छोटी वैल्यू मिलती है यानी ए छोटा होगा सी से हंड्रेड परसेंट ए सी से छोटा होगा

तो इन दोनों में जो छोटा होगा साइन एक्स पर साइन एक्स एक कॉस एक्स पर साइन एक्स है साइन एक्स पर साइन एक्स और कॉस एक्स पर साइन वेरी गुड ये वाला पार्ट तो इस पर ये बड़ी पावर है ये बड़ी पावर है तो इसका मतलब है बी छोटा हो जाएगा बड़ी पावर पे छोटा मिलेगा छोटी पावर पे बड़ा है ना तो यहां से मिल गया बी छोटा होगा डी से है ना लेकिन बात यार ये है कि हमें तो चारों में ओवरऑल रिलेशन चाहिए हमने दो इंडिपेंडेंट गेम खेले बी का डी के साथ खेला और ए का सी के साथ बी डी से छोटा ए से छोटा है लेकिन अब मुझे रिलेशन चाहिए होगा किस किस में इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें यानी बी और सी में देख लें या तो फिर बी और सी में देख लें तो हाँ या फिर ए और डी में देख ले या फिर ए और डी ए और डी मेरे ख्याल से ए और डी में काम ज़्यादा आसान है क्योंकि ए और सी में एक सेकेंड अगर हम सी और बी देखें बी और सी बी और सी में बी चेंज हो रहा है पावर भी चेंज हो रही है नहीं बी बी और सी आई एम टॉकिंग अबाउट बी एंड सी आई एन एक्स सी पर कॉस एक्स हाँ बी और सी में डिफिकल्ट पड़ेगा बेटर रहेगा ए और डी देखना है ना अब हम इन दोनों में एक रिलेशन मतलब ए और डी में गेम खेलना चाहते हैं ये किस तरह से कनेक्ट होगा ए और डी की बात करें तो दोनों में एक्सपोनेंट सेम है हाँ दोनों में एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मैटर करेगा है ना बेस जिसका बेस किसका डोमिनेट कर रहा है ए का इसका बेस बड़ा है इसका बेस छोटा है दोनों में सेम पार रेस करेंगे ऑब्वियसली ये तो क्लियर है कि ए वर्सेस डी गेम खेला जाए तो ये तो ऑब्वियस है कि ए जो आएगा वो डी से बड़ा आएगा है ना तो ए डी से बड़ा आ रहा है तो ये फर्स्ट रिलेशन था ये सेकेंड रिलेशन है और ये थर्ड डी तो से बड़ा तो बी डी से छोटा और डी ए से छोटा ओके ओके फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अगर हम तीनों को टुगेदर ले लें अब अगर हम तीनों को टुगेदर ले लें तो यहां से आएगा बी छोटा है डी से डी छोटा है ए से ए छोटा है से कुछ इस तरह का सीन आएगा इस तरह का ऑर्डर रिलेशन आएगा बी डी ए सी ठीक है बच्चों चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में आप इन क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा ट्राई कीजिएगा है ना क्वेश्चंस तो और भी थे लेकिन वही है कि थोड़ा सा क्लास का लेंथ हमें थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा लेकिन ठीक है आगे कभी और देंगे अभी चैलेंजर सीरीज अभी ट्रिगो तो यहां पर कर लिया है खत्म होने के बाद भी और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास और आप इसी तरह बस मन से पढ़ते रहिए और डेफ़िनेटली आप अगर इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आप उसके थ्रू बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे और जो आपके जी एडवांस में अच्छी रैंक टॉप रैंक लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ठीक है बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओके बाय